हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और जो है वापस से एक्सप्लेन करने वाले एक नई सीरीज को। पिछले वाले सीरीज के अभी मुझे और चैप्टर्स मिल नहीं रहे हैं, इंग्लिश में कोई भी अवेलेबल नहीं है, और जो चाइनीज में है वो कुछ ही थे जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिए, और तो है नहीं वैसे एक्सप्लेन करने को, इसलिए डायरेक्ट इसकी वीडियो स्टार्ट कर देते हैं। और इसी जो इस लड़की को उठा रहा होता है, फिर बता रही थी कि मास्टर मैंने तुम्हें बोला नहीं था, जो काम कम्प्लीट हो जाए मुझे उठा देना पार्टी से पहले। और फिर बता रहा था कि मैंने जो है वो डिबगिंग कर ली है जो सिस्टम की थी, और ये आ जाती एमसी को बता रही थी तुम बहुत सारा औसम हो, लेकिन एमसी इसे पीछे कर देता। फिर बता रहा था कि यहाँ से हट जाओ, मेरे पास ऑलरेडी जो है अपने गर्लफ्रेंड का नाम लेता है, क्वेंग क्वेंग ऐसी कुछ है वो है, तो इसलिए प्लीज अटेंशन दो अपने बिहेवियर को। और एमसी फिर बता रहा था कि आज जो है मैं उसे प्रपोज करूंगा, पार्टी के अंदर एक सरप्राइज रहेगा। और यहाँ पर पार्टी स्टार्ट हो चुकी होती है, और वहाँ पर एक बंदा अनाउंस कर रहा था कि तुम लोगों को बताया हमने सॉफ्टवेयर जो है लॉन्च कर लिया है, और हम जो है उस ग्रेट हीरो के बारे में बात करेंगे जिसने जो है सक्सेसफुली इसे लॉन्च कर दिया, इस पे इतना ज्यादा हार्ड वर्क किया। और ये बंदा जो है इसका नाम ले लेता है कि इसने ये सब कुछ किया हुआ है, और ये फिर बता रहा था कि थैंक यू यहाँ पर तुम लोग आ चुके हो। और यहाँ पर ये लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में होती, फिर बता रही थी कि मास्टर इसका क्या मतलब है कि इसने सारा काम किया है, तुमने इस पे सब कुछ काम किया था, वो सारा क्रेडिट वो ले रहा है। अब वो भी सब लोगों को बता रहा था कि मैंने ओवर टाइम किया है और ये बकचोदिया कर रहा होता है। और इसी के साथ ये लड़की फिर बता रही होती है कि क्या हो चुका है, तुम कुछ क्यों नहीं कर रहा है। उसे बता रहा था कि छोड़ लो भाई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं। और डायरेक्ट एमसी अपनी गर्लफ्रेंड को देख लेता, फिर बता रहा होता है कि ये जो है ऊपर जा चुकी है, क्या ये अनाउंस कर रही है कुछ। और ये लड़का फिर बता देता है कि उसी के साथ सेम टाइम मैं जो अनाउंस करना चाहता हूं, मेरे उस लड़की के बीच में हम जो है एंगेज हो चुके हैं। और एमसी डायरेक्ट शॉक हो जाता है कि क्या। हमसे आ जाता है, फिर बता रहा होता है कि तुम जो मुझसे प्यार करती थी ना, क्या हो चुका है, और यहाँ तक कि तुमने मुझे बताया भी नहीं था कि तुम मेरे से ब्रेकअप कर रही हो। एमसी बता रहा होता है कि क्यों। ये लड़की फिर बताती है कि ठीक है, अभी तुम्हें पता चल चुका है तो बात खत्म, क्या कर रहे हो यहाँ पर। और ये फिर बता रही होती है कि मुझे जो कुछ भी नहीं कहना है, तुम्हें जो दर्द हो जाए लेकिन तुम बहुत ज्यादा लूजर हो, अगर तुम्हारे पास थोड़ी सी भी सेल्फ रिस्पेक्ट है तुम यहाँ से चले जाओ, और मुझे जो है ये पसंद है जो कि सब कुछ कर सकता है, तुम्हारे से ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और यहाँ तक ये भी इसने बता दिया था कि ये जो है कंपनी की प्रॉब्लम भी सॉल्व कर लेगा सेलिब्रेशन के बाद। एमसी जैसे बताने वाला होता है इसे कि तुम्हें नहीं पता है कि ये सब कुछ जो है मैंने किया था, और ये डायरेक्ट एमसी को जो है धक्का मार देता है, फिर बता रहा होता है कि यहाँ से निकल जाओ, मैं तुम्हारी बात सुन रहा था लेकिन फिर भी तुम यहाँ पर बकवास कर रहे हो, यहाँ से चले जाओ। और सारे लोग जो इसके पीछे हंस रहे होते हैं, और डायरेक्ट यहाँ पर जो है स्कैनिंग चलने शुरू हो जाती है, और एमसी को जो है एनालाइजिंग स्टार्ट हो जाती है। यहाँ पर कोई लड़की आ जाती है जो कि एमसी को पकड़ लेती है, और सिस्टम जो है एमसी को एक तरह से नेशनल हस्बैंड बना देता है सिस्टम का। तुम्हारे साथ ये सब कुछ अनफेयरली हो चुका है ना, लेकिन मैंने तुम्हें बता दिया कि तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी आ चुकी है अपडेट होने के लिए, और तुम जो हो क्या अच्छे स्टेट के अंदर हो कि तुम जो इन लोगों से पंगा ले पाओ। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम कौन हो, और ये फिर बता रहे थे कि नहीं टाइम आ चुका है मेरे जाने का। और डायरेक्ट ये जो है एमसी को पुश कर लेती है, फिर बता रही होती है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, हर चीज सही हो जाएगी। एमसी बता रहे थे कि क्या मतलब। और डायरेक्ट एमसी जो सूट के अंदर आ जाता है, या पहले भी सूट आई डोंट नो, फिर एमसी बता रहे थे कि भाई चल क्या रहा है, लेकिन और लोगों के सामने एमसी बहुत ज्यादा ही अच्छा दिख रहा होता है। यहाँ पर एमसी की जो एक्स गर्लफ्रेंड बोल सकते हैं वो देख रही होती, फिर बता रही थी कि क्या हो चुका है, क्या ये जो है पहले ऐसे दिखता था, और मैं जो इसे पसंद नहीं करती फिर भी मेरा दिल जो है क्यों धड़क रहा है इसके लिए। और या फिर इसे देख रही होती, फिर बता रही थी कि इसका शक्ल देखो, ये बहुत ज्यादा स्टूपिड है, मैं यहाँ पर आ चुकी हूँ एक तो। और ये फिर बता रहे थे कि क्या। और यहाँ पर जितने और लड़कियां वो भी पागल हो जाती, फिर बता रही थी कि सर मैं इतना ज्यादा हैंडसम है, इसका ब्रेकअप हो चुका है, और ये सारे फिर बता रहे थे कि मैं चाहती हूँ कि मैं इसे हस्बैंड बुलाऊं। और एमसी सोच रहे थे कि भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। और ये लड़की आ जाती, फिर एमसी को बता रही थी कि क्या तुम जा रहे हो, तुम्हें नहीं जाना चाहिए, ये जो कचरा है इसे जाना चाहिए। वो फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा, मुझे क्यों बातें सुना रही हो। और ये फिर बता देती है कि तुम जो है एक लूजर हो जिसने जो है इसके क्रेडिट चुरा लिया है, सब प्रोजेक्ट पे इसी ने काम किया था खुद ही, और इस चीज के बारे में नहीं पता है, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि मुझे नहीं पता होगा। और सारे लोग भी गुस्से के अंदर हो जाते हैं कि क्या इस प्रोजेक्ट पे जो है उसने काम किया था और सारे क्रेडिट ये ले रहा है। और ये आ जाते, फिर बता रहे थे कि क्या हो चुका है तुम्हारे साथ, तुम भी जो है इन्वॉल्व थी ना हमारे साथ ही। और ये फिर बता रही होती कि मैंने जब से एमसी को देख लिया मैंने अपना माइंड जो है चेंज कर लिया है इसके लिए। और ये फिर बता रही होती कि क्या कर रहे हो तुम, पागल हो चुकी हो। और डायरेक्ट यहाँ पर कोई लड़की आ जाती, फिर बता रहे होते कि सारे जो है शांत हो जाओ। और ये जो प्रेसिडेंट होती है, ये लड़का फिर बता रहे होते कि प्रेसिडेंट तुम फाइनली यहाँ पर आ चुके हो, देखो तुम्हारे एम्प्लॉई जो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। और ये डायरेक्ट इसे फाइल दे देती है, फिर बताती है कि तुम अपनी फियोंसी को लेकर यहाँ से पहली फुर्सत में निकल जाओ, और जल्दी करो एचआर में जाओ, तुम्हें जो है रेजिग्नेशन तुम्हारा मिल जाएगा रिपोर्ट, और यहाँ से जो है निकल जाओ। एमसी भी सोच रहा था भाई चल क्या रहा है यहाँ पर। और ये जो है डायरेक्ट एमसी को देखती है, और फिर एमसी के पास आ जाती है, फिर बता रही होती है कि मैंने तुम्हें नोटिस पहले क्यों नहीं किया था, क्या तुम्हारे जैसे सच में कोई एम्प्लॉय था इस कंपनी के अंदर। तो ये लड़का फिर बता रहा था कि तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे, तुम जो है एक साइड की स्टोरी सुन रही हो और तुम उस पर बिलीव कर रही हो। और ये आ जाती है एमसी को बता रही थी कि जल्दी करो हम जो है साथ में हो जाते हैं। और एमसी डायरेक्ट वो रिंग जो होता है वो तोड़ देता है, फिर बता रहा था कि पहली फुर्सत में निकलो, अब जो है पॉसिबल नहीं है हम दोनों का एक साथ होना। और ये लड़की भी सोच रही थी कि ये बहुत सारा जो है हैंडसम है, और इसका रिजेक्ट करना भी बहुत ज्यादा ही ऑसम है। एमसी भी सोच रहा था कि भाई ये ज्वेलरी बॉक्स बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव था। एमसी फिर इस लड़के को बता देता है कि क्या मतलब है तुम्हारा, कि तुम बोल रहे थे कि तुमने हार्ड वर्क किया है, तुमने मेरा काम जो है चुरा लिया और मेरा क्रेडिट भी तुमने ही ले लिया। ये फिर बताता है कि क्या, और डायरेक्ट लड़की को भी बता देता है कि तुमने भी जो है मुझे धोखा दिया था, अभी वापस से तुम मेरे पास आना चाह रही हो। और प्रेसिडेंट बता देते कि ठीक है लेसन जो है इसने सीख लिया है,
अगर कोई जो और भी सोच रहा है कि ये गलत हो चुका है तो भाई आ जाओ बात करने के लिए। और अगर तुम लोगों को लगता है कि तुम लोग जो हो बहुत ज्यादा आगे जा सकते हो इस तरह के ट्रिक यूज करके, तो गलत फहमी है तुम लोगों की। और ये जो है फिर एमसी को बताते है कि तुम मुझे जो है फॉलो करो। और इसी के साथ होटल में जो है एमसी आ जाता है। ये लड़की फिर बता रही होती है कि अंदर आ जाओ, क्या कर रहे हो तुम, बाहर वेट क्यों कर रहे हो। एमसी फिर बता रहा होता है कि प्रेसिडेंट ये जगह जो है सूटेबल नहीं है। और ये फिर बता रहे थे कि क्या बोले तुम्हारा कि क्या अनसूटेबल है ये जगह या फिर मैं। एमसी सोच रहा था कि भाई यहाँ पर चल क्या रहा है। और इसने जो एमसी को पकड़ रखा होता है, फिर एमसी बता रहा था कि भाई ये सिचुएशन क्या है और ये ऐसी चीज नहीं है जो कि मैं चाहता था। और एमसी बता रहा था कि बस रुक जाओ। एमसी फिर बता रहा था कि देखो तुमने ऑलरेडी जो है उनको निकाल दिया, तो मुझे कोई भी जो है पैसे वगैरह नहीं चाहिए। ये फिर बता रही होती है ये काफी नहीं है, तो मैं जो है कुछ और भी करना पड़ेगा अभी मेरे लिए। और ये फिर बताती कि जैसे मेरे लिए कुछ करना। एमसी भी सोच रहा था कि भाई ये चल क्या रहा है। एमसी सोच रहा था कि क्या सच में मैं इसके साथ कांड करने वाला हूँ। और ये फिर एमसी को बता रही होती कि क्या हो चुका है, क्या सोच रहे हो तुम, अपने एक्स गर्लफ्रेंड के बारे में सोच रहे हो, क्यों ना मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसको जो है भूलने के लिए। एमसी सोच रहा था कि हाँ मैं सिंगल हूँ तो मुझे डरना किस बात का, मुझे जो है उस लड़की के बारे में भूलना ही पड़ेगा। और एमसी फिर बता देता है कि ठीक है प्रेसिडेंट, हम जो है ब्यूटीफुल मेमोरी जो है क्रिएट कर देते हैं। और ये फिर बताती कि ठीक है मुझे बहुत ज्यादा पसंद है, लेकिन वो सिस्टम यहाँ पर आ चुका होता है, एमसी को देख रहा होता है। एमसी सोच रहा था कि भाई ये मेरे को क्यों देख रही है। एमसी फिर बता रहे थे कि चलो सॉरी प्रेसिडेंट, मुझे पता है लेकिन फिर भी मैं जो हूँ ये नहीं कर सकता हूँ। और ये हंसती फिर पकड़ लेती है एमसी को, फिर बता रहे थे कि तुम बहुत ज्यादा फनी हो और तुम बहुत ज्यादा शाय भी हो, चलो ऐसा काम करते हैं कि पहले शावर लेते हैं फिर कुछ करते हैं। और इसी के साथ प्रेसिडेंट जो है अंदर जा चुकी होती है और भाई साहब शावर ले रही होती है। एमसी सोच रहा होता है कि सच में ये जो है टेम्पर्ड ग्लास है मैं देख सकता हूँ, और प्रेसिडेंट जो है बहुत ज्यादा एग्रेसिव है, क्या ये ड्रीम है, मैं उठने वाला हूँ क्या। डायरेक्ट सिस्टम बता देते कि ओए ये जो है ड्रीम नहीं है। और सिस्टम ये भी बता देते है कि तुम्हारे एक्सपीरियंस टाइम जो है टाइटल ऑफ नेशनल हस्बैंड वाला वो खत्म होने को आ चुका है, यहाँ से पहले फुर्सत में निकल जाओ। फिर एमसी बता रहा था कि क्या बोले तुम्हारा, तुम कौन हो, तुम मुझे कैसे जानते हो। और सिस्टम बता देता है कि मैं ह्यूमन नहीं हूँ, मैं जो एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, मेरा टाइटल जो है सिस्टम मैग्नम है। जब थोड़ी देर पहले मैंने तुम्हें पुश कर लिया था तो वो टाइटल मैंने तुम्हें थोड़ी देर के लिए दे दिया था, उसके अंदर एबिलिटी है और तुम्हें जो है बहुत ज्यादा और भी टाइटल मिल सकते हैं, तुम उसे एंजॉय भी कर सकते हो। जैसे कि अभी तुम्हारे पास जो टाइटल है तुम जो है एंजॉय कर सकते हो 100% एक लड़की के फेवर, मतलब वो तुम्हें बहुत ज्यादा पसंद करेगी 100%। ऐसे फिर बता रहे थे कि अच्छा, तो इसलिए प्रेसिडेंट जो है बहुत जल्दी चेंज हो चुकी थी और वो लड़की भी चेंज हो चुकी थी, मेरी गर्लफ्रेंड मतलब एक्स गर्लफ्रेंड। और ये फिर बता देती कि हाँ ये टाइटल जो है एस लेवल का टाइटल है और ये चीजें इसकी बेनिफिट है, लेकिन तुम इसे सिर्फ जो है फ्री के लिए 3 घंटों के लिए यूज कर सकते हो, अगर तुम्हें जो है यूज करना है तो तुम्हें पैसे देने पड़ेंगे। फिर उनसे बताते कि क्या भाई ये गेम चल रहा है कि क्या चल रहा है, लगता है पैसे लगाने पड़ेंगे। और उनसे डायरेक्ट फोन दे देते, फिर बता रहे कि ये कितने का, मेरे को पैसे बताओ। और ये फिर बता देती अगर तुम्हें जो है ये यूज करना है एक दिन के लिए तो तुम्हें जो है 10 मिलियन देने पड़ेंगे। एमसी फोन ले लेता है, फिर बता रहा था कि भाई क्या मुझे लूट रही हो। ये फिर बता देती है क्योंकि ये जो एक एस रैंक का टाइटल है तो भाई पैसे भी बहुत लगेंगे, ये जो है सस्ता नहीं है। फिर एमसी को बताती है हाँ तुम लॉटरी यूज कर सकते हो, इसके अंदर तुम्हें जो है चीजें टाइटल्स वगैरह मिल सकती है और ये जो है फ्री है। फिर एमसी बताते कि अच्छा फ्री है। और ये सिस्टम फिर बता रहा था कि हाँ ये सच है, लेकिन फिर एमसी बताते कि अच्छा ये ऑनलाइन गेम जैसा दिख रहा है। और यहाँ पर जो है लॉटरी पे क्लिक कर देता है और सिस्टम बता देता है कि कांग्रेचुलेशन, तुम्हें जो सक्सेसफुली एक नया टाइटल मिल चुका है, मास्टर ऑफ पता नहीं ताइची वगैरह शायद से मार्शल आर्ट्स वाला है। एमसी फिर बता रहा था कि सच में, और इसकी स्ट्रेंथ जो है 10 गुना बढ़ जाती है और डिटेरेंस जो है वो 50 गुना हो जाता है, पॉइंट्स में बता रहा हूँ, परसेंट नहीं था वो। और अचानक से एमसी को मैसेज आ जाता है और डायरेक्ट 10,000 जो है डॉलर्स कट जाते हैं। फिर एमसी बता रहे थे कि क्या ये क्या मजाक है। और ये फिर बता रही होती है कि ये पैसे जो है इस मशीन को यूज करने के है, मतलब लॉटरी जो फ्री है लेकिन यूज करने के पैसे है, टाइटल तो फ्री है लेकिन इसके यूज करने के पैसे है। एमसी फिर बता रहा था कि क्या, ये फिर बताती कि जरा यहाँ पर देखना, ये क्लियरली तुम्हें नजर नहीं आएगा लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ है। और यहाँ पर होता है कि पूरे $10,000 जो है कटेंगे यूज करने के लिए या फिर टाइटल को यूज करने के लिए, दोनों समझ से बाहर है, देखते क्या होता है। एमसी फिर बता रहा था कि तुम ही तो बोल रहे थे कि ये फ्री है। और ये लड़की फिर बता रही होती है कि कोई भी लॉटरी जो है फ्री में नहीं होती है, कोई ना कोई जो है पैसे देता है उसके लिए। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम जो फ्रॉडस्टर हो, तुमने मुझे धोखा दे दिया है, मुझे जो है अभी ये वापस से पैसे चाहिए मेरे अपने। और ये लड़की फिर बताती कि तुम्हें एक दफा कोई टाइटल मिल जाता है वो टाइटल जो 24 घंटे के लिए यूज हो सकता है, उसके बाद वो खत्म हो जाएगा। भाई ये सही नहीं है। और ये फिर बता रही होती कि हाँ वैसे भी पैसे तुम्हारे कट चुके हैं तो भाई टाइटल को एंजॉय करो। फिर एमसी बता रहा होता है कि छोड़ो भाई, मैं जो कभी भी लॉटरी नहीं निकालने वाला हूँ आज के बाद से। लेकिन ये बता रही होती है कि भले तुम जो कोई टाइटल नहीं निकालोगे लेकिन तब भी तुम्हारे पैसे हर दिन कटते रहेंगे जब तक तुम्हारे पास जो है सिस्टम है, और इसलिए तुम्हें जो है हर दिन एक नया टाइटल खरीदना पड़ेगा। अगर तुम हर दिन खरीदते नहीं हो, जो पुराना टाइटल है उसके भी मतलब 10,000 कटेंगे। अच्छा, तो एक तरह से वो रिन्यू होगा, एक तरह से वो टाइटल खत्म नहीं होगा, लेकिन हाँ अगर एमसी दूसरा टाइटल निकालते तो पिछले वाला खत्म हो जाएगा। और एमसी फिर बता रहे थे कि तुम पागल हो, मेरे पास कैसे पैसे आएंगे, मैं जो हूँ भिखारी बन जाऊंगा।
और ये फिर बता देती है कि जो तुम्हें टाइटल मिलेगा वो फिर लाइफ टाइम के लिए एक तरह से होगा और तुम्हें जो है हमेशा मेरे लिए काम करना पड़ेगा क्योंकि तुम्हें जो है मुझे डेली $10,000 फिर देने पड़ेंगे उसके, और जब तक तुम जिंदा हो तुम्हें फिर मेरे लिए काम करना पड़ेगा जब तक तुम मरना जाओ। एमसी फिर बता रहा था कि भाई ये क्या हो गया मेरे साथ, और ये फिर एमसी को बता रही थी कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए पैसों के बारे में, तुम्हें जो है रिलाय रहना चाहिए इन टाइटल्स पर और तुम जो इनसे फिर पैसे आराम से कमा सकते हो, तुम बिलियनियर बन जाओगे, तुम्हें फिर फर्क भी नहीं पड़ेगा हर दिन $10,000 देना। एमसी फिर बता रहा था कि भाई कौन सा टाइटल जो है मेरे इतनी ज्यादा हेल्प करेगा कि मैं जो हूँ आराम से डेली के पूरे 10,000 तुम्हारे लिए कमा सकता हूँ। ये लड़की फिर बताती कोई ना कोई रास्ता जरूर होगा तुम्हारे टॉप पे पहुंचने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि भाई अपना मुंह बनकर तुम वैम्पायर हो। डायरेक्ट भाई साहब प्रेसिडेंट यहाँ पर आ जाती है, फिर बताती है कि बहुत ज्यादा कम्फर्टिंग था। भाई एमसी को देख लेती फिर बताती कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, फिर एमसी बता रहा था कि तुम ही थे जो कि मुझे यहाँ पर लेकर आ गया था, और सिस्टम भी इसे बता देता है कि तुम्हारा जो टाइटल था वो एक्सपायर हो चुका है। और ये जो एमसी को देखती है और डायरेक्ट इसके सर पे रख के मारती है, एमसी यहाँ से भागने लग जाता है और वो फिर बता देते कि यहाँ से निकल जाओ। एमसी यहाँ पर आ जाता है फिर बता रहा था कि भाई मैं ही क्यों अनलकी हूँ, और ये लड़की फिर बता रही थी कि तुम्हें हार्ड वर्क करना पड़ेगा पैसे कमाने के लिए। और यहाँ पर हमें कोई दिखाया जाता है जो कि लड़की को लेकर जा रहा होता है कि भाई फन प्लेस है वहाँ पर चलते हैं, एमसी भी देखते हैं। और यहाँ पर कोई लड़की होती है जिसे चढ़ चुकी होती है, वो फिर बता रही थी कि मुझे जो है तुम्हारी जरूरत नहीं है, और एमसी के पास आ जाती है और बता रही होती है कि प्लीज मेरी हेल्प करो। और यहाँ पर जो ये लड़की एमसी को बता रहे थे इसमें कोई भी तुम्हारा बिजनेस नहीं है, हमें ये लड़की दे दो, एमसी भी सोच रहा होता है कि लगता है इन लड़कों ने जो है इसे कोई ड्रग वगैरह दे दिया है इस लड़की को। और एमसी फिर डायरेक्ट बोलता है कि पुलिस ये देखो इस लड़की को इन्होंने पिला दिया है, ये डायरेक्ट पीछे देखते हैं। और ये फिर बता रहा था कि रुको सर यहाँ पर कोई भी पुलिस नहीं है, वो किधर गए। एमसी जो यहाँ से भागने लग जाता है, फिर बता रहे थे कि जल्दी करो इसे पकड़ो, और ये जो है भाग रहा है उस लड़की को उठाकर। एमसी सोच रहा था कि ये मेरी पहली दफा लाइफ के अंदर कि मैं जो हूँ इतना ज्यादा भाग रहा हूँ खुद की लाइफ बचाने के लिए। और एमसी यहाँ पर गिर जाता है, फिर बता रहा होता है कि मुझे नहीं लगता है वो जो मुझे यहाँ पर ढूंढ लेंगे। वो लोग ये देख रहे होते हैं एमसी को, भाई साहब इस लड़की के बुबास चेको मतलब वाटर मेलन। एमसी भी सोच रहा था कि यहाँ पर चल के आ रहा है, ये लड़की भी बता रही थी कि बहुत ज्यादा हॉट है। और भाई साहब ये जो है भाई शर्ट पहनने लग जाती है कि बहुत ज्यादा हॉट है, मुझे जो ये कपड़े निकालने पड़ेंगे। एमसी भी बता रहा था कि लगता है ये मेडिसिन जो है बहुत सारी स्ट्रॉन्ग था। एमसी फिर बता रहा था कि मैं जो खुद को सेक्रीफाइस नहीं करना चाहता हूँ तुम्हारी ये गर्मी उतारने के लिए। भाई साहब क्या बोल रहे हैं। और उनको डायरेक्ट जो है ये मिल जाते, फिर बता रहे थे कि हमें मिल चुके हैं, और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई इस लड़की को लेकर जाने की। एमसी भी सोच रहा था कि भाई मेरे को पहले पता होता है इस लड़की की हेल्प ही नहीं करता। असिस्टेंट भी बता रहा था कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए इन लोगों से, तुम वो लड़के जिसके पास जो टाइटल है तो तुम उसे यूज करो। फिर एमसी बताते कि ठीक है चलो यूज करता हूँ, और डायरेक्ट अपनी एबिलिटी जो एक्टिवेट कर लेता है वही वाली वो टाइची वाली थी शायद से। एमसी फिर बता रहा था कि चलो फिर फाइट करते हैं, और जैसे इनकी तरफ आता है वो जो नाइफ निकाल देते हैं। और एमसी नीचे डायरेक्ट गिर जाता है, फिर बता रहा होता है कि तुम बहुत ज्यादा अनग्रेटफुल हो, तुम कैसे जो फिस्ट फाइट के अंदर नाइफ यूज कर सकते हो। लेकिन सिस्टम आ जाता है एमसी की हेल्प करने के लिए, फिर बता रहे थे कि चलो तुम्हें जो सिखा देती हूँ कि कैसी एबिलिटी यूज होती है। फिर एमसी बता रहा होता है कि मैं तुम लोगों को छोड़ना चाहता था लेकिन अभी तुम्हें जो है मेरी बॉडी से होकर गुजरना पड़ेगा अगर इस लड़की को लेकर जाना है तो, और देखो मेरी लाइटनिंग मेरी बॉडी से कैसे निकल रही है। एमसी फिर बता रहा था कि रुको जरा वो व्हिप किधर गई, और ये फिर सिस्टम बता देता है कि भाई सिस्टम तुम्हें सिर्फ टेक्निक सिखाएगा, वेपन ढूंढना तुम्हारा काम है। फिर एमसी बताता है कि क्या, फिर एमसी के बारे में बता रहे होते हैं कि लगता है ये बहुत ज्यादा डर चुका है और भी यहाँ पर कॉमेडी कर रहा है हमारे सामने, लेकिन ये ट्रिक बहुत ज्यादा हिलेरियस है, जल्दी करो इसे मारो। एमसी फिर बता रहे थे कि मेरे पास और ज्यादा चॉइस नहीं है, तुम लोगों ने ये बोल दिया है, और डायरेक्ट अपने पैंट की बेल्ट निकाल देता है और भाई साहब लग जाता है इनकी धुलाई करने में। एमसी फिर बता रहे थे कि मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि मैं जो इतना ज्यादा अच्छा हूँ इसे यूज करने के लिए, और ये लड़की भी बता रही होती है तुम्हें पता चल चुका है कि सिस्टम कितना ज्यादा अच्छा है। फिर एमसी बताता है लेकिन फिर भी साले ये बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है इसे यूज करना 24 घंटे के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि हाँ याद आया ये लड़की क्या कर रही है, और जैसे एमसी पीछे देखता है वो फिर बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा हॉट है, भाई साहब एमसी का ब्लड निकलता है। एमसी फिर बता रहा था कि छोड़ो चले इसे हॉस्पिटल लेकर चला जाता हूँ, ये बहुत ज्यादा लकी है कि ये मेरे से मिल चुकी है। लेकिन अचानक से यहाँ पर और लोग भी आ जाते हैं, फिर एमसी बता रहे थे कि ये क्या सिचुएशन है, और कोई जो डायरेक्ट बुलाता है, फिर एमसी को बता रहा होता है कि साला तू कर क्या रहा है मेरी बेटी को। एमसी फिर बता रहे थे कि रुको जरा ये तेरी बेटी है। एमसी फिर बता रहे थे कि एक मिनट सिचुएशन देखते हैं, बच्ची को चढ़ चुकी है, मेरे पेंट नहीं है, मैं इसके कपड़े जो एक तरह से उतार रहा था इसको लग रहा था। एमसी फिर बता रहा था कि चाहे मैं कुछ भी कर लूं मैं सेफ नहीं बचने वाला हूं, और ये फिर बता रहा होता कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को छेड़ने की, जल्दी करो इसे पकड़ लो और इसे जो है रिवर के अंदर फेंक दो। और भाई साहब यहाँ पर एमसी को इन्होंने पकड़ लिया होता है, एमसी फिर बता रहा था कि सच में वहां पर गैंगस्टर आए थे, मैं गैंगस्टर से फाइट कर रहा था इसलिए पेंट उतार दिया था। और ये फिर बता रहा था कि सच में साला तू जो है इतना ज्यादा हीरोइक काम कर रहा है, तुमने जो है पेंट उतार दिया मेरी बेटी के सामने, अगर तुम इतने ज्यादा अच्छे हो फाइट के अंदर मेरे से फाइट करो। एमसी सोच रहा था कि भाई ये जो है इंसानों की बॉडी है भी कि नहीं इसकी। एमसी फिर सोच रहा होता कि हाँ एक तो इसकी बेटी भी एक्सप्लेन नहीं कर पाएगी कि यहाँ पर क्या हो चुका था, और मैं जो हूँ सिर्फ अभी अपने टाइटल पे रह सकता हूँ जो कि मुझे बचा सकता है। एमसी अपनी एबिलिटी डायरेक्ट जो है एक्टिवेट कर लेता है इसके सामने, और डायरेक्ट इसके मुंह पे थूक देता है, और इसे और ज्यादा गुस्सा आ जाता है। फिर बता रहा था कि साला तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे पे थूकने की, मैं जो हूँ तेरे को पीसीस में काट दूंगा। फिर एमसी बता रहा था कि क्या रुक जा। एमसी फिर बता रहा था कि अच्छा मुझे मारना है तो मार दो मेरे को फर्क नहीं पड़ता है। और ये बंदा एमसी को देखता है, सोच रहा होता है
होता है कि क्या सच में इसने बचा लिया होगा, क्योंकि देखो मरने वाला बंदा फिर सच में अपनी असलियत बता देता है, लेकिन ये बता रहा था कि इसने हेल्प की है, तो मुझे नहीं लगता कि इसने कुछ कांड किया होगा। एमसी भी सोच रहा था कि लगता है कि ट्रिक ने काम कर दिया, ये फिर बता रहा था कि क्या, एमसी फिर बता रहा था कि सच बताऊं मैं जो हूं इस वर्ल्ड के अंदर घूम रहा हूं ताकि मुझे पता चल जाए कि असली मीनिंग क्या होती है मार्शल आर्ट्स की, और मैं जो हूं हमेशा फाइट नहीं करता, लेकिन जब भी मैं फाइट करता हूं तो सामने वाले को मैं मार देता हूं जहां से, या फिर बहुत ज्यादा चोट लग जाती उसे। अगर मुझे जो है इनोसेंस अपना पेश करना है कि मैंने सच में तुम्हारी बेटी को नहीं छेड़ा था, मुझे कुछ और करना पड़ेगा। और एमसी फिर बता रहे थे कि ये देखो ये मूव जो है किसी को भी मार सकता है, और ये सोच रहे थे कि हाँ भाई बहुत सारी एनर्जी आ रही है, सच में ये मास्टर हो सकता है, अगर इसने जो है मुझे इससे हिट कर दिया तो मैं जो हूँ मर जाऊंगा, लेकिन फिर भी इसने मुझे मारा नहीं। और फिर सोच रहा होता है कि लगता है कि ये काफी ज्यादा अच्छा लड़का है, और ये एमसी को फिर बाद में बता रहा होता है कि मुझे माफ करना, मैं जो ब्लाइंड था मैं देख नहीं पाया कि तुमने जो मेरी बेटी को बचाया है। फिर एमसी बता रहा था कि बस बहुत हो गया, मैं जो हेल्प कर रहा था जब मुझे कोई मिल जाता है। एमसी सोच रहा था कि अच्छा हुआ मैं जो टाइटल पे रिलाय रहा तो अच्छा हुआ सब कुछ खत्म हो गया। और इसी के साथ एमसी दिखाया जाता है जो कि पानी के अंदर होता है, बता रहा होता है कि लगता है कि मैं ड्रीम देख रहा हूँ। और हमें फिर एक घंटा पहले दिखाया जाता है, कई एमसी को बता देता है कि वैसे भी तुमने जो है मेरी बेटी को बचा दी है, तो क्यों ना तुम मेरे घर पे आ जाओ कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर रुक सकते हो। फिर एमसी बताते कि क्या, एमसी फिर बता रहा था कि सच में मुझे पता नहीं था कि ये फैमिली जो इतनी ज्यादा रिच होगी, और ये सच में एक तरह से हेवन है। और फिर यहाँ पर लेट जाता, फिर बता रहा था कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है, और फाइनली मैंने इतना ज्यादा हार्ड वर्क कर लिया है, कोई पीस मुझे मिल रही है। और सिस्टम बता देता है कि तुम्हें जो इतना ज्यादा हैप्पी नहीं होना चाहिए इतनी जल्दी, करंटली सिर्फ तुम जो हो इस टाइटल को 24 घंटों के लिए यूज कर सकते हो। फिर एमसी बताते कि हाँ मेरे पास अभी और पैसे भी नहीं है उसी टाइटल को लेने के लिए, या फिर इस वाले को नया वापस करने के लिए, अगर ये जो टूट जाता है तो भाई मेरे एल लग जाएंगे, उसे पता चल जाएगा मैं झूठ ज्यादातर बोल रहा था। फिर एमसी बता रहा होता है कि मुझे अभी यहाँ से भागना पड़ेगा, मेरे को मरना नहीं है। और इसी के साथ एमसी यहाँ से जो है भाग रहा होता है, और भाई साहब डायरेक्ट जो है एमसी इस लड़की को देख लेता, फिर बता रहा होता है कि रुको जरा ये हाउस जो था इसका था रियलिटी में, और डायरेक्ट ये जगह जो टूटने लग जाती है। एमसी बता रहा होता है कि लग चुके हैं, और ये फिर देख रहे होते बता रहे थे कि क्या हो चुका है यहाँ पर, लेकिन ये लड़की जो एमसी को पकड़ लेती है, और फिर बता रहे थे कि जल्दी करो यहाँ पर अंदर आ जाओ। और इसी के साथ ये जो है बता रही थी इनको कि मैंने कोई आवाज नहीं सुनी, तुम लोग वहाँ पर चले जाओ चेक करने के लिए। एमसी भी यहाँ पर छुपा हुआ था, फिर बता रहा था कि यहाँ पर बहुत ज्यादा अच्छी स्मेल आ रही है, और ये फिर एमसी को बता देती है कि ठीक है अभी तुम आ सकते हो, सारे जा चुके हैं। एमसी जो चुप के निकलता है, एमसी फिर बता रहा था कि थैंक यू हेल्प करने के लिए, और यहाँ पर सिस्टम एमसी को बता रहा था कि बहुत बड़े परवर्ट हो तुम यहाँ पर छुप गए थे। और ये एमसी को बता रही होती कि तुम जो है रात को क्या कर रहे थे, यहाँ से इस तरीके से जा रहे थे, क्या तुम यहाँ पर आ चुके थे मुझे देखने के लिए जब मैं शॉवर ले रही थी। फिर एमसी बता रहा था कि नहीं नहीं ऐसे कुछ भी नहीं था, और ये फिर बता रहे थे कि लगता है कि तुम हीरो नहीं थे बल्कि तुम जो देखने के लिए आ चुके थे। और ये एमसी को बताती है तुम मेरे हीरो जिसने मुझे सेव कर लिया, अगर तुम्हें देखना है तो मैं दिखा देती हूँ। फिर एमसी बता रहे थे कि नहीं नहीं मुझे नहीं देखना है, और फिर बता रहे थे कि सॉरी तुम्हें तंग करने के लिए मैं जो अपने रूम के अंदर जा रहा हूँ। और ये फिर बता देती है अगर तुम यहाँ पर चले जाओगे वापस से तो वो जो तुम्हें ढूंढ लेंगे, तो क्यों ना तुम यहाँ पर रुक जाओ थोड़ी देर के लिए। और ये दोनों जो यहाँ पर बैठे होते हैं, और ये एमसी को बता रही होती क्यों ना तुम यहाँ पर आज रात के लिए रुक जाओ, और हम दोनों जो है मिलकर यहाँ पर बात करेंगे। एमसी बताते कि बात करना, और वहाँ पर जो है सिस्टम हंस रहा होता है कि एमसी को लग रहा था कुछ और कांड होगा। और ये फिर बता रही होती कि क्या तुम्हें पता है कि मुझे जो है कैसे उन्होंने वो चीजें दे दी थी, मैं बहुत ज्यादा ड्रंक हो चुकी थी क्योंकि मैंने सुना था कि वो बार जो है वहाँ पर एक सॉस है वो बहुत ज्यादा रेयर है, तो मैं खाने के लिए चली गई थी ताकि मेरा असोमनिया जो है वो ठीक हो जाए। एमसी फिर बता रहा था कि सच में तुम रात को वहाँ पर चली गई थी उस सॉस को खाने के लिए, और ये तुम किस चीज के बारे में बात कर रही हो, कौन सी चीज है, जैसे एमसी कंफ्यूज है वैसे मैं भी था। और ये फिर बता रही थी एमसी को कि मेरी फैमिली जो है वो गैंगस्टर नहीं है, तो मैं जो है कहाँ पर जाना है। फिर एमसी बता रहा था कि क्या बोला है तुम्हारा कि गैंगस्टर नहीं है, तेरा बाप जो है मेरे साथ कांड करने वाला था वहाँ पर, ये फिर बता रही होती है वो मेरा बाप जो है तुम्हें डराने का कर रहा था, मेरी फैमिली जो है वो जनरेशन से होती हुई आ रही है, मेरी फैमिली जो है शेफ है, और मेरा बाप जो है वो बहुत बड़ा बिग बॉस नहीं है, और इनके एंसेस्टर जो जाने जाते थे जो कि गॉड्स के लिए खाना बनाते थे सेक्रीफाइस वाले। और ये फिर बता रही थी कि मैं अपने फैमिली में बहुत ज्यादा यंग हूँ तो मुझे हर चीज मिलती थी, और लेकिन मुझे जो है ये बीमारी हो चुकी थी, तरह से वियर टाइप का डिजीज है जिससे मुझे जो है कोई भी चीज टेस्ट नहीं होती है, और इसलिए मैं जितनी भी चीजें खाती थी मुझे टेस्ट नहीं आती थी, और ये जो है ठीक भी नहीं हो सका है, और इसी की वजह से मुझे जो है मेरी फैमिली की ये टेक्निक्स जो है मिल नहीं सकी क्योंकि मैं टेस्ट नहीं कर सकी तो क्या करूंगी मैं। और इसलिए मैंने सुना था कि बहुत ज्यादा अच्छा खाना जो है वो अवेकन कर सकता है मेरे सेंसेस को, मैं वहाँ पर चली गई थी, और इसलिए मेरी फैमिली ने जो है ऑफर किया था 1 मिलियन का रिवॉर्ड जो भी जो है ठीक करेगा मेरी इस डिजीज को। फिर उससे बताता कि अच्छा, और ये फिर लगी होती बता रही होती, और मैं जो यहाँ तक डॉक्टर के पास भी चली गई थी जब मैं सीख थी, यहाँ तक सेलिब्रिटी शेफ भी जो है आ चुके थे मुझे ठीक करने के लिए, वो भी नहीं कर पाए, और आज जो हो चुका था वो उसी की वजह से हो चुका था कि मैं खाना खाने के लिए चली गई थी, लेकिन थैंक यू हेल्प करने के लिए। मैं सोच रहा था कि रुको जरा 1 मिलियन रुको जरा मेरे पास प्लान है, क्योंकि सिस्टम के अंदर जो है एक टाइटल है गॉड ऑफ कुकिंग का, अगर मैं वो ले लूं तो क्या पता ये ठीक हो सकती है। एमसी सोच रहे थे, लेकिन हाँ
मैं जो हूँ एक टाइटल एक ही दिन के अंदर यूज कर सकता हूँ। और सिस्टम ये भी बता देते कि हाँ ये टाइटल जो है कुकिंग वाला वो पूरे $50,000 का एक दिन के लिए। वेब से सोच रहा होता है कि भाई ये भी जो है 50,000 चाहिए और मेरे पास कुछ हजार ही मेरे बैंक के अंदर है, मुझे ये 50,000 चाहिए स्किल लेने के लिए। ये लड़की फिर बता रही थी कि क्या हो चुका है, वेब से डायरेक्ट पकड़ लेते हैं, फिर बता रहे थे कि ठीक है तुम्हें डिलीशियस खाना खाना है, मुझे एक दिन दे दो, मैं तुम्हें जो हूँ बना के दे दूंगा। और इसी के साथ अगला दिन हो जाता है, वेमसी को मैसेज आ जाता है, फिर उठ जाते, फिर बता रहा था कि भाई सुबह सुबह कौन है। और मैं जो हूँ कल रात को जाग रहा था, सोच रहा था कि मुझे ये $50,000 कैसे मिलेंगे, और डायरेक्ट एमसी उठा लेता कॉल, फिर बता रहा था कि भाई कौन है। और वो फिर बता रहा था ओए 10 बज चुके हैं अभी तक तू काम पे नहीं आया। वेमसी फिर बता रहा था कि रुको सारा ये जनरल मैनेजर है और लगता है कि प्रेसिडेंट ने मुझे जो है पर्सनली बुलाया होगा। और ये फिर बता रही होती कि जल्दी करो तुम किस टाइम आ रहे हो, मुझे जो है तुम्हें कुछ कहना है। और ये फिर सोच रही होती कि कल रात को मुझे पता चल चुका था जब थोड़ी सही हो चुकी थी कि मैं ही थी जो कि इसे अपने रूम के अंदर लेकर आ चुकी थी और मैं जो हूँ रोक थी इसके बारे में, तो मुझे अपोलोजाइज करना चाहिए। एमसी सोच रहा था कि क्या ये सीईओ जो है मेरे खिलाफ कुछ करने वाली है, रिवेंज लेने वाली है मेरे से, और मैं जो अच्छा लड़का हूँ तो मैं जो फाइट नहीं करूंगा लड़की के साथ, मेरे पास वैसे भी सिस्टम है तो मैं जो हूँ क्यों ना काम ही छोड़ दूं। एमसी फिर बता रहता है कि सॉरी सीईओ मैं जो हूँ, फिर बताती कि क्या तुम क्विट कर रहे हो। और ये गुस्से के अंदर होती फिर बता रही होती कि किसने जो है तुम्हें अलाउ किया है कि तुम जो हो इस तरह से रिजाइन कर सकते हो, जल्दी करो काम पे आ जाओ। और ये जो है कॉल बंद कर देती है। एमसी फिर सोच रहा था कि भाई ये बहुत ज्यादा खतरनाक है, भाई ये क्या चल रहा है, ये मेरे को जाने भी नहीं देगी। और यहाँ पर जो है सीईओ सोच रही होती कि मुझे जो इससे अपोलोजाइज करना चाहिए। और यहाँ पर ये लड़की लगी होती सब लोगों को अनाउंस कर रही होती है इसी के बारे में कि ये जो तुम लोगों को ताई ची सिखाएगा, जो भी नया मेंबर है वो आ जाए यहाँ पर। और ये फिर बता देते कि अगर जब तक तुम जो है सीख लोगे इसको तो तुम जो है सबको प्रोटेक्ट कर पाओगे, जैसे मैंने सिस्टर को कर दिया था। और भाई साहब यहाँ पर जो है फिर ये बता देती लड़की के $1,000 है एक एक बंदे की फीस और ये सारे फिर पैसे सेंड कर रहे होते हैं। एमसी भी सोच रहा था कि मेरे को पता नहीं था कि भाई इतने जल्दी मैं पैसे कमा लूंगा। एमसी सोच रहा था कि अच्छा वो मेरे पास ये जो टेक्निक है मैं इनको धोखा दे सकता हूँ कुछ देर तक ही। डायरेक्ट बॉस आ जाते फिर बता रहे थे रुक जाओ, और ये सबको बता रहा था कि क्या तुम लोग भूल चुके हो जब तुम लोग जो है मेरे पास काम करने आ चुके थे। ये सारे गिर जाते फिर बता रहे थे कि मास्टर हम गलत है, हमारी लाइफ तुम्हारी है, मरना भी तुम्हारे लिए है। भाई सच में ये बॉस लग रहा है गैंगस्टर लग रहा है मेरे को, ये मेरे को शेफ नहीं लगता है। और ये एमसी को बता देते कि सॉरी तुम्हें जो इनको सिखाने की जरूरत नहीं है। फिर एमसी बताते कि नहीं नहीं कुछ भी नहीं है। और ये आ जाता है फिर बता रहा था कि मास्टर तुमने जो भी बोला था वो आ गया है। और ये एमसी को ये चीज दे रहा होता है, बता रहा था कि कल तुमने मेरी बेटी को बचा दिया था तो ये गिफ्ट ले लो छोटा सा। फिर एमसी बता रहा था कि नहीं नहीं मैंने इसे ऐसे ही सेव किया था, मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकता। एमसी सोच रहा था कि क्या लेजेंडरी ब्लैक कार्ड है ये मेरे को चाहिए। और ये एमसी को बता रहा था कि सच में तुम जो वर्दी हो तुमने जो है मेरी बेटी को बचा लिया है। एमसी बता रहा था कि नहीं नहीं तुम्हें जो है फ्लैटर नहीं करना चाहिए। और ये जो इसको बात सोच रहा होता है कि मुझे लगा ये जो है एक तरह से मेरा अप्रेंटिस बनना चाहता था इसलिए ये सब कुछ कर रहा था, लेकिन लगता है मैं गलत था। और ये लड़की भी कुछ देखकर सोच रही होती है। एमसी यहाँ पर आ जाता है फिर बता रहा होता है कि अभी फैमिली में जो है कोई भी रिक्रूटमेंट नहीं है, मैं यहाँ पर काम नहीं कर सका हूँ शेफ की तरह, और अभी मेरे को पहले पता होता तो ये बकचोदिया नहीं कर रहा होता। और यहाँ पर सिस्टम भी आ जाता है एमसी को बातें बता रहा होता है कि किसने तेरे को बोला था कि तू जो है वो ब्लैक कार्ड रिफ्यूज कर ले, उसके अंदर पूरे जो है 100 मिलियन हो सकते थे। फिर एमसी बता रहा होता है कि जनरल मेल जो ऐसा ऐसा नहीं लेता है। और ये भी यहाँ पर आ जाते हैं फिर एमसी को बता रहे थे कि फाइनली तुम मिल चुका है, कल रात का बदला हम तुमसे लेकर आएंगे। एमसी सोच रहा था कि भाई ये क्या कर रहे हैं, ये यहाँ पर कैसे आ चुके हैं, आज जो है मेरे पास बेल्ट भी नहीं है तो मैं इनसे कैसे फाइट करूंगा। और सिस्टम फिर बता देते कि हाँ याद आया घर के अंदर मैंने तुम्हें बताया नहीं था कि तुम्हारा टाइटल जो अपग्रेड हो चुका है तो तुम इनसे जो है ट्रू फाइट कर सकते हो, मतलब कि हाथ से फाइट कर सकते हो। और ये फिर बता रहे थे सिस्टम के हाँ जल्दी करो इनसे फाइट करो इनको हरा दो। फिर एमसी बताता है कि ठीक है। और ये आ जाते हैं एमसी को बता रहा था अच्छा तू भाग नहीं रहा है। एमसी बता रहा था कि लगता है कि कल जो तुम्हारी धुलाई की थी वो काफी नहीं थी, आ जाओ मेरे पास फाइट करने के लिए। और ये जो अपने दोस्तों को बता देते कि जल्दी करो इससे जो है मारो वो आ रहे होते हैं। और एमसी भी अपनी एबिलिटी यूज करता है और रख के इन सबको उड़ा देता है। फिर बता रहा था कि चल अब जो टाइम आ चुका है अपना असली पावर दिखाने का, और इनको जो अच्छा खासा पेल देता है। और 5 मिनट बाद जो है एमसी इसको मार देता है, फिर इसको पकड़ लेता है, फिर बता रहा था क्या बोल रहा था तू कि मेरे चेहरे का क्या हाल करने वाला है तू। और एमसी को बता रहा था कि प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जो है मरना नहीं है और मैं जो कुछ भी बाद में नहीं करूंगा। एमसी हंस रहा होता है फिर बता रहा होता है कि तुम्हारी मेमोरी अच्छी नहीं है, क्यों ना मैं तुम्हारे चेहरे पे ये लिख दूं बाद में तू ये कांड नहीं करेगा मुझे मारने के लिए। कई तारीख ये लड़की आ जाती है एमसी को रोक रही होती कि नहीं तुम्हें जो इसे इस तरीके से नहीं मारना चाहिए, एक तरह से क्राइम में आ जाएगा तो तुम ये नहीं करो, तुम इन पे अपना हाथ गंदा मत करो। एमसी फिर बता रहा होता है कि बस मैं इसे डरा रहा था, सच में नहीं कर रहा था। ये भी बता रहा होता है कि प्लीज लड़की को एंजल मुझे बचा दो। और ये फिर इसे बता रहा होता है कि मैंने जो है बहुत ज्यादा गैंगस्टर वगैरह देख चुकी हूँ लेकिन तुम्हारी फाइट का तरीका बहुत ज्यादा वियर्ड है जैसे तुमने कॉमिक से सीखा हो। और ये फिर बता रहे थे कि कल रात भी बहुत ज्यादा सस्पिशियस थे तुम लोग, अभी वापस से तुम लोग यहाँ पर आ चुके हो, क्या रीजन है यहाँ पर आने का। एमसी भी सोच रहा होता है कि मुझे लगा ये लड़की जो है बहुत ज्यादा अच्छी होगी, मतलब इनके लिए इन्हें जो है माफ कर देगी, लेकिन मैं गलत था लगता है, अपने रियल जो है चेहरा दिखा रही है। और यहाँ पर ये जो है आ चुके होते हैं, ये लड़की फिर बता देती है कि मैं जो अपनी फैमिली की पावर यूज करूंगी, मैं तुम्हारी डिटेल जो है निकाल दूंगी सब कुछ, अगर तुम जो सब कुछ नहीं बताओगे तो जितने भी लोग तुम्हारे साथ है उनकी भी खैर नहीं है। एमसी भी सोच रहा था कि सच में ये बता रही थी कि ये गैंगस्टर नहीं है।
वही आ रहा होता है, फिर बता रहा होता है कि प्लीज मुझे जो है छोड़ दो, हमें किसी ने फोर्स किया था ये सब कुछ करने के लिए, हम आम बंदे हैं। ये फिर बताती है कि किसने फोर्स किया था, बता रहे थे कि हम जो है उससे कभी भी मिले नहीं थे, बस यही पता है कि वो जो है फैन है एक मिली चान एक लड़की के बारे में बताते हैं कि उसका उसने हमें पूरे $50,000 दे दिए थे ये सब कुछ करने के लिए ताकि हम तुम्हें किडनैप कर ले। हमें जो है और पता नहीं कि बाद में क्या होने वाला था, और एमसी वाले भी सोच रहे होते हैं और सारे के भाई ये मिली चा कौन है। बाद में हमें पता चलता है कि ये जो है एक लड़की लाइव स्ट्रीम करती रहती है और इसी के साथ बहुत ज्यादा लोग जो है ऑब्सेस्ड है, तो भाई बहुत ज्यादा पैसे इस पे उड़ा रहे हैं। हमने भी बहुत ज्यादा पैसे इस पे लगा लिए थे लेकिन हमारे पास पैसे खत्म हो चुके, तो हम जो है बहुत ज्यादा चिंता कर रहे थे। उसने हमें कॉन्टेक्ट कर लिया था अचानक से और ये फिर बता देती है, मैसेज कर देती है कि अच्छा तुम्हारे पास पैसे खत्म हो चुके हैं तो क्यों ना तुम उस लड़की को किडनैप कर लो, मैं तुम्हें $50,000 दे दूंगी, अगर तुम जो फेल हो जाते हो तो तुम्हें जो है मर जाना चाहिए। फिर एमसी भी बता रहा होता है इस लड़की को कि भाई तू बता रही थी तुम्हारी फैमिली गैंगस्टर नहीं है, वो फिर बता रही थी कि सच में हमारी फैमिली गैंगस्टर नहीं है। और ये एमसी को बता रहा था कि हीरो वैसे भी तुम जो हो यहाँ पर डिसाइपल की तरह लग चुके हो तो मुझे भी एक्सेप्ट कर लो, अगर ये मिशन फेल हो जाते तो हम जरूर जो है मारे जाएंगे उससे। और ये फिर बता रहे थे देखो हमारे पास अभी भी वो पैसे पड़े हुए जो कि उसने सेंड किए थे, और मैं सच बोल रहा हूँ देखो ये सारे पैसे यहाँ पर है। एमसी सोच रहा था 50,000 मिल गए, मेरा गॉड जो है हेल्प कर रहा है, और फिर एमसी इसे उठा देता है कि ठीक है अभी पता चल चुका है कि तुम्हें जो ऐसे किसी ने फेंक दिया है तो मैं जो तुम्हें एक्सेप्ट कर लूंगा डिसाइपल की तरह, तो क्यों ना ये सारे जितने भी पैसे हैं मेरे कार्ड के अंदर सेंड कर दो। और ये यहाँ पर लग जाते फिर पैसे कर रहे होते हैं, और ये लड़की फिर बता रही थी कि नहीं ये जो बहुत ज्यादा सस्पिशियस है, हम इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते डिसाइपल की तरह, और सिस्टम भी इसे जो है गालियां दे रही होती है कि तुम शांत रहो यहाँ पर। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरी आंखें इसी पे ही है, और अचानक से एमसी को पैसे आ जाते हैं। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम जो आज के बाद से डेंजर के अंदर नहीं रहोगी, और ये लड़की सोचती अच्छा ये जो मुझे प्रोटेक्ट करने का ट्राई कर रहा था ये सच में बहुत ज्यादा ही अच्छा है, मेरी लाइफ बचा रहा है, और सिस्टम भी बताता है कि भाई इसे देखो ये क्या हो चुका है। और इस लड़की के सामने एमसी बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा होता है लेकिन साला एमसी को पैसा मिल चुका होता है। और यहाँ पर हमें जो है वो लड़की दिखाई जाती है जो कि बता रही होती है कि मैंने उन्हें बता दिया था कि भाई वो जो है लड़की लेकर आ जाए यहाँ पर किडनैप करके, लेकिन नहीं लेकर आ चुके हैं। और ये फिर बता रही थी कि मैं जो कभी भी अभी प्राइवेट पिक्चर्स या फिर प्राइवेट चैट तुम्हारे साथ नहीं करूंगी, और कोई बता रहा था कॉल पे कि नहीं नहीं तुम्हें जो है गुस्सा नहीं करना चाहिए, मैंने प्रॉमिस किया है और मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। और वो फिर बता रहे होते एमसी के बारे में कि हमें उसके साथ डील करनी पड़ेगी पहले, और ये फिर बताती कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी ऐसा नहीं है जो कि मेरी ब्यूटी के सामने टिक ना पाए, मतलब मैंने कुछ गलत बोल दिया लगता है, मतलब एमसी इसके प्यार में पड़ जाएगा ऐसा वाला सीन है यार। और भाई साहब ये जो ओटाकू गॉडेस है इसके पीछे लोग पागल है, बहुत ज्यादा पागल है। और यहाँ पर एमसी और सिस्टम जो वेट कर रहे होते जैसे टाइम जो है पूरा हो जाता है, रात को 12 बज जाते हैं, एमसी बता रहे थे कि अब जो है टाइम आ चुका है मैं जो चेंज कर सकता हूँ अपने टाइटल को। एमसी फिर बता रहा था कि जल्दी करो मुझे दिखाओ कौन से टाइटल जो है वो अच्छे है कुकिंग करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था अच्छा ये जो है फॉरेन रेस्टोरेंट के खानों वाले हैं जो कि 3 स्टार बता रहे होते हैं लेकिन मुझे लगता है 5 स्टार है। एमसी फिर बता रहा था हाँ इसको जो है पसंद आएगा, लेकिन सिस्टम बता देते हैं जरा देखना इसको जो है एक दिन के लिए यूज करना है तो तुम्हें $1,00,000 देने पड़ेंगे। फिर एमसी बता रहा था कि क्या तुम पागल हो चुके हो इतने ज्यादा पैसे कैसे देने पड़ेंगे, और यहाँ तक कि चाइनीज फूड जो है वो सस्ता है और जो फॉरेन फूड है वो महंगा है, तुम मुझे धोखा दे रही हो। और सिस्टम भी बता रही थी मेरी कोई भी नेशनलिटी नहीं है भाई, मैं इस जगह की हूँ ही नहीं तो मुझे नहीं पता तुम क्या बोल रहे हो। और ये लड़की फिर बता देती कि टाइटल अभी इसलिए ज्यादा महंगे है क्योंकि तुमने जो है इंटरनेशनल रोमिंग अनलॉक नहीं की थी, लेकिन अब जो है तुमने अपग्रेड कर लिया तो तुम जो ग्लोबल टाइटल ले सकते हो। फिर उससे बता रहा था खर्चा मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि भाई इंटरनेशनल वाला सीन भी होगा। और फिर बता रहा था कि चलो फिर ओरिजिनल प्लान पे रहते हैं और मैं जो चाइनीज फूड वाला बाय कर लेता हूँ जो कि 50,000 का था। और यहाँ पर एमसी जो है लगा होता है पका रहा होता है, भाई साहब लड़के भी पागल हो चुकी होती है। एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये फूड जो बहुत ज्यादा अच्छा है ये लड़की भी पस चुकी है तो उसको भी बहुत ज्यादा पसंद आएगा। और ये भी बता रहे थे कि हाँ हमें जो है खाना है, और यहाँ से ये स्मेल जो इस लड़की के रूम में चली जाती है और ये उठ जाती है। फिर बता रहे थे कि खाना बहुत ज्यादा अच्छा है क्या डेट पका रहा है, और ये यहाँ पर आ जाते फिर बता रहे थे कि तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो क्यों पका रहे हो। फिर एमसी बता रहा था कि जल्द बैठ जाओ तुम और तुम्हें जो ये ट्राई करना चाहिए मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये फिर बताते कि सच में, और भी बता रहे थे हाँ जल्दी खाओ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और ये भी सोच रहे थे कि सच में तुमने मेरे लिए बनाया है। और एमसी फिर बता रहे थे कि अकेले मेट्स को ये पसंद नहीं आता बल्कि इसके फादर के जितने भी अप्रेंटिसेस है या फिर डिसाइपल बोल सकते हो वो भी जो पागल हो चुके थे इसे कहा कि बहुत ज्यादा अच्छा है। और एमसी सोच जाते कि जल्दी करो भाई 1,000,000 मुझे मिलने वाले इसे ठीक करने के लिए। और एमसी हंस रहा होता है फिर बता रहे थे कि हाँ तुम जो है खा लो, सोच रहा होता है कि भाई और जो है मैं तुमको जीत के रहूंगा तुम्हें जो है ये बहुत ज्यादा पसंद आएगा। सिस्टम भी देख रहा होता है इसे और ये जो है फिर बता रहे थे कि चलो मैं देखती हूँ कि कैसा ही है। और एमसी सोच रहा होता है कि भाई ये खा रही है होप करूंगा ये अच्छा होगा, लेकिन डायरेक्ट ये जो है सब कुछ फेंक देती है और फिर बता रहे थे कि मैं जल्दी से खा रही थी लेकिन फिर भी इसमें कोई टेस्ट नहीं था। एमसी भी शौक हो जाता है कि क्या इसमें कोई भी टेस्ट नहीं था, मैंने सारे पैसे जो है वेस्ट कर लिए हैं। और एमसी को बता रहे थे कि ये बहुत ज्यादा रेयर है कि तुमने मेरे लिए बना लिया है तो चलो मैं ये खा लेता हूँ, लेकिन एमसी इसे ले लेता कि नहीं तुम्हें जो खुद को फोर्स नहीं करना चाहिए। और एमसी इसे खाने लग जाता है, सिस्टम भी बता रहा होता है कि तुम्हें जो अभी हार नहीं माननी चाहिए, लेकिन एमसी तब भी ये खा रहा होता है और इसके सामने ये बोल रख देता है। फिर बता रहा था कि प्लीज मुझे एक दूसरा चांस दो, मैं जरूर तुम्हें ठीक करके ही रहूंगा। और ये सोचती थी कि सच में इसने ये सब कुछ मेरे लिए किया, ये जो है मुझे ठीक करना चाहता है। और
भाई साहब लड़की जो है एमसी को बिल्ली की तरह चाटने लग जाती है, ये सारे भी शौक हो जाते हैं कि क्या। लेकिन अचानक से इसको जो है टेस्ट आ जाता है, बच्ची ऑर्गेजम ले रही है, क्या चल रहा है। और ये फिर बता रहे थे कि हाँ ये सही था, एमसी सोच रहा था कि भाई क्या चल रहा है। और यहाँ पर और मेड भी गुस्से में होती है कि ये एमसी को एक तरह से चाट रही है। और ये एमसी को देखती है, फिर बता देती है कि ये एक मिलियन जो है तुम्हारे हो चुके हैं। फिर एमसी सोच रहा था कि भाई क्या मतलब है इसका। एमसी फिर बता रहा होता है कि नहीं नहीं तुम मुझे ये पैसे नहीं दे सकती हो, मैंने तुम्हें ठीक नहीं किया तो तुम मुझे पैसे मत देना। लेकिन सिस्टम बता रहा था कि पागल हो चुके हो, पैसे ले लो इससे। और ये लड़की फिर बता रही थी कि नहीं मैं ठीक हो चुकी हूँ। और ये फिर बता रही थी कि मैंने मतलब तुम्हें छाटा तो मुझे टेस्ट आ चुका था यहाँ पर, और इसमें जो बहुत ज्यादा अच्छा सा टेस्ट था तुमसे और मुझे काफी ज्यादा पसंद आया, और मैं जो हूँ तुम्हारे प्यार के अंदर आ चुकी हूँ। एमसी बता रहा था कि क्या। एमसी फिर बता रहे थे कि तुम श्योर हो ये फ्राइड नूडल्स नहीं थे और तुम्हें जो लेमन का टेस्ट आया। और ये फिर बता रही होती है कि मैंने सुना था कि पहला किस जो है वो लेमन का होता है। एमसी फिर बता रहा था कि भाई मेरे को नहीं पता, मैंने इसके अंदर लेमन डाला तो था लेकिन भाई क्या चल रहा है यहाँ पर। एमसी फिर इसे देखते हैं, फिर सोच रहा होता है कि लगता है कि भाई ये झूठ नहीं बोल रही, इसे सच में टेस्ट आ चुका है, ये सही हो चुकी है। लेकिन अचानक से ये मुझे कॉन्फेस क्यों कर रही है, चल के आ रहा है। और ये एमसी को देख रही होती है, फिर सोच रहा होता है एमसी कि भाई मैं इसके प्यार में नहीं पड़ सकता हूँ, ये जो है गैंगस्टर की बेटी है, मेरी हालत खराब हो जाएगी। एमसी इसे बता देता है कि सॉरी तुम बहुत ज्यादा यंग हो मेरे लिए, क्यों ना तुम एंजॉय कर लो ये लेमन फ्लेवर तुम्हारे पहले लव का। लेकिन ये एमसी को पकड़ लेती, फिर बता देती कि नहीं मैं जो हूँ तुम्हारी ऑलरेडी, और मैं काफी ज्यादा बड़ी भी हो चुकी हूँ। एमसी सोच रहा था कि हाँ ये बड़ी हो चुकी है, बुबास टच हो रहा है मेरे से। एमसी फिर सोच रहा होता है कि भाई मुझे जो है कंट्रोल करना पड़ेगा ये जितनी भी चीजें बोल रही है। एमसी फिर बता रहा होता है कि हाँ यहाँ तक कि इसे जो है टेस्ट भी आ चुका था, क्या पता ये कोई मेंटल बीमारी हो ना के मतलब इसका टेस्ट काम नहीं कर रहा था, और अचानक से ये जो है प्यार के अंदर आ चुकी है तो ये जो है टेस्ट करने लग चुकी है और ये सही हो चुकी है, और क्या पता इसी के साथ ये जो है ठीक भी हो जाए। एमसी फिर बता रहा होता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम्हारे इलनेस के बारे में कि क्या सीन है। और ये फिर सोच रही होती है, ये लगता है कि ये जो है मुझे ठीक करना चाहता है इसलिए इतनी ज्यादा चीजें पूछ रहा है, ये मुझ में इंटरेस्टेड है, और ये जो है किसी चीज के पीछे भी नहीं पड़ा हुआ है, मुझे फ्री में फिक्स कर रहा है, जबकि एमसी भाई मिलियन ले रहा है इससे। और मैं बहुत ज्यादा तेज थी, मुझे जो है इतनी जल्दी इसे कॉन्फेस नहीं करना चाहिए, टाइम लेना चाहिए था, लेकिन फिर भी मेरा प्यार जो इसके लिए चेंज नहीं होगा। और ये फिर बता देती है, एक साल पहले मेरे साथ ये सब कुछ हो चुका था, और मेरे क्लैन के अंदर ये रूल है अगर तुम जो एक केक बना लेते हो तो तुम जो हो फैमिली के एक शेफ बन सकते हो। लेकिन मैंने जो है बहुत दफा ट्राई किया सक्सेस करने के लिए लेकिन नहीं हो पाया, और जब मैं बहुत दफा चैलेंज कर रही थी उसी की वजह से मैं जो हूँ टेस्ट कुछ भी नहीं कर पाई, और मैंने जो है लूज कर लिया था टेस्ट करने को, और मैं किसी चीज को फिर टेस्ट नहीं कर पाई। और एमसी यहाँ पर सोचा होता है कि लगता है कि इसे ये बीमारी हो चुकी थी बहुत ज्यादा स्ट्रेस की वजह से, कि ये बार बार हार रही थी, अगर मैं इसकी हेल्प कर लूंगा ये जो है सही से ठीक हो जाएगी। और यहाँ पर कोई लड़का जो है लगा होता है, फिर जो है बता रहा होता है कि मैंने जो है मास्टर से ये कुछ सीखा है, मैं वेजिटेबल क्यों काट रहा हूँ। अचानक से इसे मैसेज आ जाता है, वही लड़की का मैसेज होता है, ये बहुत ज्यादा खुश हो जाता है कि मिली चा ने मुझे वापस से कॉन्टेक्ट कर लिया है। और ये फिर सोच रही थी कि सच में इसने जो है मुझे वीडियो कॉल कर लिया है। और वो फिर बता देती है इसे कि क्या तुम मुझे फेवर कर सकते हो क्योंकि तुम मेरे ही अकेले सपोर्टर हो, ये जो है लेवल 54 पे पहुंच चुका होता है, इतने ज्यादा इसने पैसे दे दिए होते हैं। और ये सोच रहा होता है कि मैं जो अपने मास्टर को धोखा नहीं दे सकता हूं, लेकिन कुछ और होगा तो वो मैं कर लूंगा। और यहाँ पर ये जो है बकचोदिया कर रही होती, दिल बेच रही होती है, और भाई साहब ये मरने वाला है। फिर बता देते कि ये बहुत ज्यादा क्यूट है, मैं जो इसके लिए कुछ भी कर लूंगा। और यहाँ पर एमसी लगा होता है इसके लिए जो है वो केक बना रहा होता है इस लड़की के लिए, और सामने पेश कर देता है। और जैसे इसे दिखाते हैं ये फिर बता रहे थे कि हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन जैसे ये टेस्ट कर देती है फिर बता रहे थे कि सॉरी लेकिन अभी भी मुझे कोई टेस्ट नहीं आ रहा है। ऐसे फिर बता रहे थे कि नहीं तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, ये जो है मैंने तुम्हारे लिए ऐसे ही बना लिया था, मैंने तुम्हारे लिए इसलिए नहीं बनाया था कि तुम टेस्ट करोगे तो पता चले कि अच्छा है कि नहीं अच्छा, और तुम्हें ये बीमारी जो है इस केक की वजह से लग चुकी थी कि तुम इसे बनाना चाहते थे लेकिन बना नहीं पाए, तो इसलिए मैंने तुम्हारे लिए ये बना लिया। तुम्हें जो है तुम्हारे फादर का अप्रूवल मिल जाता है और तुम इस केक को सही से बना लेती हो तो तुम जो हो ठीक हो सकती हो। और देखो मैंने जो एक दफा ट्राई कर लिया, मेरे पास इतने ज्यादा एक्सपीरियंस भी नहीं है लेकिन फिर भी मैंने पास कर लिया है, और मैं जो हूँ तुम्हें ये सीक्रेट भी बता दूंगा ये जो है किस तरीके से बनता है, तुम जरूर पास हो जाओगी। और ये जो है लड़की सोचती होती है कि सच में ये जो है मेरे बाप को डैडी कह के बुला रहा है, क्या ये जो है ऑलरेडी अप्रूव कर रहा है कि मैं इसकी गर्लफ्रेंड हूँ। और भाई साहब ये जो एमसी के प्यार में बहुत ज्यादा गिर चुकी होती है कि ये बहुत ज्यादा अच्छा है, लेकिन एमसी भाई पैसों के बारे में सोच रहा होता है। एमसी यहाँ पर ये खाने लग जाता है, केक फिर बता रहे होते हैं हाँ ये बहुत ज्यादा अच्छा है, और वो सिस्टर भी बता रहा होता है क्या मुझे मिल सकता है, लेकिन एमसी बताता है कि तुम्हारा फादर ये खा लेगा, अगर उससे अप्रूवल मिलती है तो फिर हम कंटिन्यू करेंगे तुम्हें सिखाना। लेकिन ये तब भी एक तरह से डरी हुई होती है, लेकिन एमसी बता देता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, कुछ भी तुम बना लोगे वो जो है बहुत ज्यादा अच्छा होगा, और भले तुम्हारा बाप जो मुझे बातें सुना ले अगर ये बहुत ज्यादा अच्छा नहीं होगा तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, तुम्हें भी चिंता नहीं करनी चाहिए उस बारे में। और ये भी बता देती कि ठीक है, और सोच रही होती है कि यही कि एमसी बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं इसके प्यार में गिर चुकी हूँ, भाई चल रहा होता है बकचोदी इसकी। एमसी यहाँ पर आ जाता है इसे खिलाने के लिए, और ये जो खा लेता है कुछ सोच रहा होता है, एमसी भी बता रहा होता है कि भाई अच्छा है कि नहीं अच्छा, मैं सक्सेसफुल हो चुका हूँ कि नहीं। और ये फिर डायरेक्ट बता देता है कि ये जो है बहुत ही ज्यादा अच्छा है, ये जो है सबसे सॉफ्ट केक है जो कि मैंने आज तक अपनी लाइफ के अंदर खाया हो, और ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और ये अपनी बेटी को बताते कि सच में ये तुमने बनाया है, और ये फिर बता देती है हाँ ये जो है मैंने बनाया है एमसी के साथ मिलकर, और इसका फादर फिर बता देते कि मेरे को बताएं। एमसी फिर बता देते कि
नहीं नहीं, ये जो है सब कुछ तुमने खुद ही किया है, ना कि मैंने किया है। और ये फिर बताती लेकिन फिर भी, क्या सच में मैंने ये बना लिया? एमसी बता देते कि हाँ तुमने जो है ये खुद किया है, तुम सक्सेसफुल हो चुकी हो। अगर तुम बिलीव नहीं करते हो तो जरा खा के देखना, तुम्हें पता चल जाएगा। भले तुम इसे टेस्ट नहीं कर पाओगे लेकिन फिर भी तुम्हें पता चल जाएगा टेक्सचर वगैरह का। और ये उठा के खाने लग जाती है। और ये फिर बता रही थी कि फाइनली मैं टेस्ट कर सकती हूँ, ये बहुत ज्यादा अच्छा है। और भाई जब अच्छी रो रही होती है, उसी को बता रही थी कि थैंक यू वेरी मच, मेरे टेस्ट जो है वापस आ चुका है। और वो लड़की भी रो रही होती सिस्टम, और फिर बता रही होती कि भाई मेरे को पता चलना चाहिए कि ये कैसे टेस्ट होता है, मुझे भी टेस्ट करना इसे। और ये लड़की फिर बता रही थी लेकिन फिर भी मुझे तुम्हारे से डायरेक्ट रिकॉग्निशन नहीं मिली, एमसी ने हेल्प की। और इसका फादर फिर बताता है कि कोई नहीं, क्यों ना तुम दोनों जो है शादी कर लो, वो काफी रहेगा। एमसी बता रहा होता है कि क्या, ये लड़की भी बताती है। और ये एमसी को बता देता है कि तुम्हें जो एक मिलियन भी दे दूंगा, साथ में ये लड़की भी तुम्हारी। और यहाँ पर जो है ये एमसी इनके लिए खाना बना रहा था, क्योंकि इसने बता दिया था। एमसी सोच रहा था कि अच्छा हुआ इसने मतलब सच में नहीं बोला था इसकी बेटी के साथ शादी करना। एमसी बताता है लेकिन फिर भी ये बुरा नहीं है, मतलब इसकी बेटी के साथ शादी कर लूंगा, वैसे लाइफ बहुत ज्यादा अच्छी है, ये काफी ज्यादा अमीर भी है और मैं अंडरवर्ल्ड को भी कंट्रोल करूंगा। लेकिन सिस्टम जो है बीच में से आ जाता है, फिर बता रहा था कि नहीं, फिर हमसे बता रहा था कि भाई तेरे को क्या हो चुका है, क्या तुम हर चीज को कंट्रोल करोगे, मेरी शादी को भी करने वाली हो क्या। और ये अपनी बेटी को बता रहा था कि ये काफी ज्यादा लड़का अच्छा है तो तुम्हें ध्यान रखना चाहिए इसका। ये अपने डेट को बता देती है हाँ मैं इसे प्यार करती हूँ। और ये फिर बताता है कि हाँ सच में तुम मेरी बेटी हो, मुझे भी ये अच्छा लगा था, तुम्हें भी अच्छा लग चुका है। और इसकी स्किल भी काफी ज्यादा अच्छी है मार्शल आर्ट के अंदर, और ये जो कुकिंग भी काफी ज्यादा अच्छा कर लेता है, तो ये जो है सही है तुम्हारे लिए। और ये फिर अपने फादर को बता देती है कि देखो पहले मैं जो हूँ वो केक भी नहीं बना पाई, उसके बाद मैं जो हूँ किसी चीज को टेस्ट भी नहीं कर पा रही थी, लेकिन अगर तुम्हारे साथ ये रहेगा तो तुम काफी ज्यादा आगे चले जाओगे। और ये फिर बता रहा होता है इसके फादर के, अच्छा अगर तुम इतना ज्यादा चाहती हो तो मैं डिक्लेयर करता हूँ कि आज से जो हो तुम 124 जो है डिसेंडेंट हो, जिसने सक्सेसफुली ये सब कुछ कर दिया है। ये फिर बता रही थी कि सच में मैं जरूर जो तुम्हारे एक्सपेक्टेशन पे होके गुजरूंगी। और ये सोच रही होती कि फाइनली मेरा करियर जो है बच चुका है इस फैमिली के अंदर। और फिर इसे बता रहा होता है कि कैसा रहा खाना, तुम्हें पसंद आ चुका? ये फिर बता रही थी हाँ काफी ज्यादा अच्छा था, लेकिन ये काफी ज्यादा अच्छा है अगर मैं तुम्हारे साथ आऊँ। और ये वापस एमसी को बता रही थी कि एक दफा मैंने तुम्हें बता दिया था, मैं वापस से बताना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ। एमसी सोच रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए, सच में मुझे पसंद करती है। लेकिन यहाँ पर सिस्टम जो एमसी को पकड़ लेता है, फिर बता रहा था कि भाई कुछ भी मत बोलना। और एमसी जो सिस्टम को बता रहा था कि नहीं तुम जो अपना मुंह बंद रखो, शट अप हो जाओ। और ये लड़की फिर बता रही होती कि अच्छा, एमसी बता रहा था कि नहीं नहीं मैंने तुम्हें नहीं बोला है। और ये फिर बता रही थी कि ठीक है मैं जो हूँ तुम्हारे लिए अभी के लिए काफी नहीं हूँ, लेकिन मैं मेहनत करूंगी ताकि मैं जो हूँ रिकॉग्नाइज हो जाऊँ और तुम्हारे लिए एक वर्दी पार्टनर बन जाऊँ। और मैं जो हूँ जरूर मैच्योर हो जाऊंगी, तुम्हारे बुबाज मैच्योर है तुमसे ज्यादा। और इसके साथ अगला दिन हो जाता है। एमसी सोच रहा था कि साथ में ये अमीर लड़कियां जो है पागल हो चुकी है। और सिस्टम को बता रहा था कि तुम मेरे पीछे क्यों पड़ी हुई हो इस तरीके से। और एमसी इसे बता रहा था कि तुम करती क्या हो, तुम करना क्या चाहती हो, क्या तुम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करती हो। और ये फिर बता रही थी कि हमारे लिए और भी इम्पोर्टेंट चीजें हैं, प्यार में पड़ने का कुछ भी नहीं है इसमें। और ये फिर बता रही होती अपने बारे में के मतलब और भी इम्पोर्टेंट चीजें ऐसी है, जैसे कि मैंने एक दूसरा जो है होस्ट सेलेक्ट किया था पहले, वो भी जो एक आम बैकग्राउंड से था, वो बहुत सारी अच्छा था, लेकिन जब मैंने उसे सेलेक्ट कर लिया था वो अचानक से चेंज होने लग गया था। और जब वो सक्सेसफुल हो गया तो उसके पास बहुत ज्यादा पैसा आ चुका था, वो जो है फिर बाद में ह्यूमंस को कंट्रोल करना चाहता था। और ये फिर बताती भी है कि उसने जो है फिर बाद में मुझे बहुत ज्यादा डैमेज कर लिया था और मेरे आधे से ज्यादा टाइटल ले लिए थे। फिर हमसे बता रहे होते कि क्या तुम चाहती हो कि मैं उस बंदे से फाइट करूं जिसने भी तुम्हारे टाइटल लिए हुए हैं, और उसके पास कौन से टाइटल है। और ये जो उसके टाइटल के बारे में बताती है कि उसका टाइटल जो है वो गॉड है, और इसलिए तुम्हारे लिए जो है बहुत ज्यादा टाइम है, तुम जो प्यार के अंदर पड़ जाओ, इसलिए हमें फोकस करना पड़ेगा, हमारी एनर्जी को सेव करना पड़ेगा ताकि हम जो है एनिमीज से डील कर पाए। मैं होप करूंगी तुम मेरी हेल्प करोगे उस बंदे को हराने में, और ताकि वो सारे टाइटल जो है वापस मिल जाए। फिर हमसे बता रहा था कि यार अच्छा, और मतलब उसकी हालत खराब हो चुकी होती है। और यहाँ पर हमें जो है वही लड़की दिखाई जाती है जो कि पता नहीं किसी के सामने होती है, वो जो है मेड है जो भी है भाई, वो बता रही होती है इसे कि मैंने तुम्हें बताया था कि वो लड़की जो है किडनैप करनी है, मेरे पास लेकर आना है, लेकिन तुम कुछ भी नहीं कर पाए। और ये यहाँ पर माफी मांग रही होती कि मैं जो फिर डायरेक्ट तुम्हारे लिए लेकर आ जाऊंगी, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, और अगली दफा मैं तुम्हें जो डाउन नहीं करूंगी। और ये फिर बता देती कि ठीक है। और यहाँ पर ये लड़की जो है लाइव स्ट्रीम कर रही होती है, और भाई साहब ये चुम्मा मुम्मा दे रही होती है, और एमसी वाले और सिस्टम वाले देख रहे होते हैं बहन ये क्या चीज है, गाली भी नहीं देख सकते यार, यूट्यूब कुछ काम करो, हमें गाली देने दो। और वो पीछे जो नमूना होता है वो फिर बता रहे थे कि देखो कितने ज्यादा क्यूट है ये। और ये फिर बता रहे थे कि मास्टर तुम इतने ज्यादा कोल्ड कैसे हो सके हो। और ये जो है इसका बर्थडे का इवेंट है जो कि साल में एक दफा होता है। एमसी फिर बता रहे थे कि सॉरी मेरे को पता ही नहीं लग रहा कि साला तू देखता इसमें क्या है। और ये फिर सोच रहे होते हैं कि मुझे उस लड़की ने बता दिया था कि मैं इसे ये लाइव स्ट्रीम दिखा दूंगा तो ये जो पागल हो जाएगा, लेकिन क्या सीन चल रही है, कोई रिएक्ट भी नहीं कर रहा है। और एमसी भी देख रहा होता है कि भाई क्या देख लिया मैंने ये। और यहाँ पर ये अभी भी लगी होती बकवादियां कर रही होती है कि इस लड़की के पास कोई टाइटल है क्या, क्या पता। और ये यहाँ पर पैसे एक तरह से थ्रो कर रही होती है, ये भी क्लिक कर रहे होते हैं, एमसी भी क्लिक करता है। एमसी फिर बता रहा था कि सच में मेरे को पैसे वैसे मिल रहे हैं, ये लड़की काफी ज्यादा अच्छी है। एमसी जो सिस्टम के बारे में सोच रहा होता है कि भाई इस वैम्पायर से तो अच्छी है, एटलीस्ट ये लड़की तो पैसे दे रही है मेरे को। और सिस्टम भी गुस्से में होता है, फिर बता रहा था कि क्या कहा तूने। अचानक से एमसी को जो है आज रात का जैकपॉट मिल जाता है। फिर एमसी बता रहा था कि ये क्या है, लेकिन वो लड़की बता देती है कि ये एक तरह से ऑफलाइन डेट है, तुम
मेरे साथ डेट कर सकते हो एक दिन के लिए। और ये जो है बहुत ज्यादा जेलस हो रहा होता है एमसी से, और ये एमसी को बता देती है जो कि लेवल 1 का होता है कि कांग्रेचुलेशन तुम जो जीत चुके हो, हम जो है फिर बाद में डेट के लिए मिलेंगे। और ये से काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है, इसे बता रहा था भाई मैं तेरे को जान से मार दूंगा। एमसी भी बता रहा था सच में मैं इतना ज्यादा लकी हूँ, एमसी इसे रख के मार देता है। फिर बता रहा था भाई पहले फुर्सत में निकल, क्या कर रहा है तू। एमसी फिर बता रहा था कि उस कमीने ने सच में मुझे जो चोट पहुंचा दी है, और अगर इसी तरह चलता रहा तो मेरे को लगता है कि इसके फैन मुझे मार ही देंगे जान से। एमसी फिर बता रहा था कि कैसा रहेगा, इसे जो हूँ ये डेट का टिकट दे देता हूँ पूरे $10,000 का। ये फिर बताती लड़की के नहीं, और फिर एमसी बता रहा था कि अच्छा मतलब जितने पैसों का क्या पता इससे ज्यादा पैसों का भेज दूं तब भी तुम मना कर रही हो। और ये लड़की फिर बताती थी कि नहीं मुझे जो है लगता है इस लाइव स्ट्रीम से मुझे पता चल चुका है कि जरूर इसके पास टाइटल है, वैसे मेरा प्रेडिक्शन सही थी। एमसी फिर बता रहा था कि क्या, ये लड़की फिर बता देती है कि ओरिजिनली मास्टर जो है गॉड है तो वो किसी को भी टाइटल दे सकता है, जो कि लड़का नहीं था जो कि सिस्टम का पुराना होस्ट था। ये फिर बता रही थी फिर वो जो है इन लोगों को यूज करता है पैसे कमाने के लिए, अगर तुम जो इसके अपोनेंट को डिफीट कर लेते हो और टाइटल उसे ले लेते हो तो तुम जो हो उस बंदे से भी मिल सकते हो उसको हराने के लिए। फिर एमसी बताते कि ठीक है, और इसी के साथ डेट का दिन आ जाता है, एमसी यहाँ पर आ जाता है। फिर बता रहे थे कि अभी भी एक मिनट बचा हुआ है, लेकिन वो लड़की अभी तक आई नहीं है, और सिस्टम भी बता रहा था कि बस रुक जाओ वो जरूर आ जाएगी। और एमसी इसे बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, क्या पता कोई ये मतलब आम सी लड़की हो, इसके पास इतना ज्यादा खतरनाक टाइटल नहीं होगा, मे बी क्यूट गर्ल वाला हो। एमसी फिर बता रहे थे कि नॉर्मली इस टाइप की सेलिब्रिटीज जो है बहुत ज्यादा फिल्टर भी लगाते हैं, तो रियलिटी में ये इतने ज्यादा अच्छे नहीं लगते, चलो देखते कि ये कैसे है। और डायरेक्ट वो लड़की यहाँ पर आ जाती है, फिर बताती कि अच्छा तुम यहाँ पर आ चुके हो। एमसी भी शौक हो जाता है कि क्या ये सच में जो है बहुत ज्यादा अच्छी लगती है, और सिस्टम भी गुस्से में होती है, वो बता रही होती है कि रख के मारूंगी तुम्हें। और ये वापस से खुद को इंट्रोड्यूस करा रही होती है एमसी को, और फिर बता रही होती है कि चलो आज पूरा दिन स्पेंड करते हैं एक साथ। और एमसी इसे काफी देर से देख रहा होता है, सोच रहा होता है कि क्या इसके पास सच में कोई टाइटल है भी कि नहीं। और डायरेक्ट सिस्टम बता देती है कि हाँ मैंने देख लिया इसका टाइटल जो है ओताकू गोडेस है, लेकिन ये जो है मैटर नहीं करता है। और ये एमसी को बता रही होती है कि मैंने तुम्हारा टाइटल जो है रिप्लेस कर दिया है मैन ऑफ स्टील के साथ, तो ये जो है तुम्हें फंसा नहीं सकती है, और बस सिर्फ तुम मुंह खोल के इसके साथ बातें करो, टाइटल जो है सब कुछ संभालेगा। और ये एमसी को बता देती है कि यहाँ पर जो है बीफ बहुत ज्यादा अच्छा है, चलो वो जो है खा लेते हैं, काफी ज्यादा अच्छा है, पैसों के बारे में बता रही होती है। लेकिन एमसी बता देता है कि नहीं मुझे जो एलर्जी है मैं नहीं खाने वाला, अपने लिए मंगवा लेना, वैसे भी तुम जो हो मेंबर हो पैसे बांट लेंगे बाद में। और ये एमसी को बता रहे थे कि नहीं नहीं मैं जो हूँ तुम्हें ये सब कुछ खिला रही हूँ, जरूरत नहीं है तुम्हें पैसे देने की। ये सोच रही होती कि इस लड़के के साथ चल के आ रहा है, मेरी एबिलिटीज पे काम क्यों नहीं कर रही है। और ये एमसी के बारे में सोच रही होती कि मैं जो हूँ जरूर तुम्हें अपना स्लेव बना के रहूंगी, और डायरेक्ट उठ जाती है। और एमसी जो ड्रिंक पी रहा होता है वो डायरेक्ट ये उठ जाती है। फिर एमसी को बता रहे थे कि क्या तुम मुझे ये दे सकते हो, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। एमसी फिर बता रहा था कि नहीं नहीं तुम्हें ये नहीं पीना चाहिए, ये कार्बोनेटेड ड्रिंक से तुम्हारा वेट बहुत ज्यादा आ जाएगा, जो कि तुम्हारे लिए अच्छा नहीं है, तो तुम्हें नहीं पीना चाहिए। ये फिर एमसी को बता रही होती है कि तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट कर रहे हो, थैंक यू तुम मेरे बारे में इतने ज्यादा केयर कर रहे हो। ये सोच रही होती है कि भाई इसके साथ हो क्या रहा है, मैं इसे क्यों नहीं पसा रही हूँ मेरे एबिलिटीज के साथ। और इसी के साथ बाहर आ जाते हैं, ये लड़की फिर बता रही होती है यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, और ये जो है तीसरा राउंड होता है, और ये जो है फिजिकल कॉन्टेक्ट करना चाहती है ताकि एमसी को ये पसा दे। और ये चाह रही होती है कि एक तरह से एमसी से शर्ट वगैरह दे देगा कवर अप करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि हाँ चलो यहाँ से चलते हैं, यहाँ पर बहुत ज्यादा हवा चल रही है, साइड पे चले जाएंगे वरना तुम्हें जो है ठंड लग जाएगी। ये फिर बता रही थी कि रुक जाओ मैं आ रही हूँ। और ये एमसी को फिर बता रही होती है कि क्या तुम मेरे साथ पिक्चर लेना चाहते हो, ये सोच रही होती है कि मेरी बॉडी बहुत ज्यादा अच्छी है, ये जरूर करेगा। एमसी इसकी तस्वीर बस ले लेता है और डायरेक्ट इसे सेंड कर लेता है, लेकिन वो तस्वीर भी सही नहीं होती है। और इसी के साथ काफी ज्यादा टाइम गुजर जाता है, एमसी इसे बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहा होता। फिर एमसी बता रहा था कि चलो फिर चलता हूँ मैं, और वो जो है बेचारी पूरी ही हालत खराब हो चुकी होती है कि भाई ये लड़का किस टाइप का है। और ये डायरेक्ट एमसी पर अटैक कर देती है, फाइनल चीज पे आ जाती है कि मैं जो हूँ तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, हमेशा इसी की तरह घूमना चाहती हूँ। और ये सोच रही होती है कि ये तरीका जो है मेरा काम करने वाला है इस पर, और ये सोच रही होती है कि मैंने इसे जो अपना प्यार कॉन्फेस कर दिया है, तो मुझे पता है कि ये जो रिजेक्ट नहीं करेगा। लेकिन जैसे देखती है एमसी यहाँ से जा चुका होता है, एमसी यहाँ पर भाग रहा होता है क्योंकि वो लड़की जो है किडनैप हो चुकी होती है। एमसी बता रहा था कि जरूर इस लड़की के फैंस थे, उन्होंने किडनैप किया होगा, लेकिन अच्छा हुआ मैंने उसके पास जो है ट्रैकर लगा दिया, तो मुझे पता होगा कि वो कहाँ पर है। और ये फिर बता रहे होते कि उस लड़की को जरूर इन्होंने किडनैप किया होगा ताकि वो जो है उस गोड को दे दे जिसके पास टाइटल है, और अगर उस बंदे ने उस लड़की से जो है टाइटल निकाल दिया। दरअसल लड़की के पास तो टाइटल नहीं है, एमसी की जो गर्लफ्रेंड है उसके पास एक तरह से एबिलिटी है अच्छा खाना बनाने के लिए, लेकिन वो गोड जो है टाइटल भी लोगों से निकाल सकता है, और इसलिए ये फिर सिस्टम बता रहा था कि तुम्हें जल्दी करना चाहिए, वो उससे टाइटल निकाल ना दे या टैलेंट निकाल ना दे। एमसी फिर बता रहा था कि नहीं मैं जो हूँ ये चीजें होने नहीं दे सकता। एमसी सोच रहा था कि ये सारा मेरा फॉल्ट है, वो जो है मेरी वजह से टारगेट के अंदर आ चुकी है क्योंकि मैंने उसे टीक कर दिया था। एमसी डायरेक्ट यहाँ पर इस घर पे आ जाता है उसे ढूंढने के लिए। फिर एमसी बता रहा था कि ये जो हॉन्टेड हाउस है ये इसका ओनर किधर है, लेकिन इसे जो है ये लड़की यहाँ पर मिल जाती है। एमसी फिर इसे बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल दूंगा, लेकिन उस बंदे ने इस लड़की को बांध रखा है कि क्या सीन है भाई। लेकिन वो बंदा यहाँ पर आ जाता है चेनसो लेकर, फिर बता रहा था कि तुम कौन हो, और फिर बता रहा था कि क्या तुम लोग जो है यहाँ से भागना चाहते हो। एमसी फिर बता रहा था
कि मेरे पास कोई स्किल भी नहीं है इसे मारने के लिए अभी के लिए, क्योंकि टाइम लगेगा मुझे स्किल चेंज करने के लिए। और डायरेक्ट बता देता है एमसी उस लड़की के बारे में कि तुम यहाँ पर आ चुके हो। ये डायरेक्ट वहाँ पर देखता है, वहाँ पर जो है कोई भी नहीं होता है। एमसी वाले यहाँ से भागने लग जाते हैं, लेकिन इस लड़की को पैर में चोट लग जाती है और ये जो है नीचे गिर जाती है। लेकिन फिर भी एमसी उसे उठा लेता है, फिर बता रहा था कि चलो मैं तुम्हें ऐसे लेकर चला जाता हूँ। ये लड़की भी सोचती है कि इसने मेरी बहुत ज्यादा चीजें कर ली है और यहाँ तक कि अभी ये मेरे ऐसे हेल्प कर रहा है, तो मैं इसका एहसान जो है कैसे चुकाऊंगी। सही बोला है तो आगा, तो मेरे को नहीं पता ज्यादा। और ये आ जाते इधर जो है मारने के लिए। एमसी जो यहाँ पर चुप गया होता है और एमसी इस लड़की को बता देता है कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा और जब ये लड़का यहाँ से चला जाएगा मैं जो हूँ तुम्हें यहाँ से लेकर चला जाऊंगा। लेकिन अचानक से एमसी को जो है कॉल आ जाती है। एमसी फिर बता रहा था कि साला ये जो है मुझे साइलेंट करना पड़ेगा, लेकिन वो जो है देख लेता है। एमसी फिर सोच रहा होता है कि मैं जो हूँ इसको डिस्कवर नहीं करने दे सकता हूँ इस लड़की को। डायरेक्ट निकल के आ जाता है, फिर बता रहा था कि मैं यहाँ पर, जल्दी करो आ जाओ मुझे पकड़ने के लिए। और इसी के साथ ये जो एमसी की तरफ आ रहा होता है एमसी भी भाग रहा होता है। एमसी सोच रहा था कि ये और हो चुका है, मैं जो मरने वाला हूँ। लेकिन ये डायरेक्ट लड़की भी आ जाती है इसको पकड़ने के लिए, फिर बता रहे थे कि नहीं तुम इसे नहीं मार सकते हो। और इसी के साथ इसका ये मास्क उतर जाता है, यहाँ तक कि वो चेनसो भी टूट जाती है। और ये कोई लड़का नहीं होता है बल्कि कोई लड़की होती है। वाह भाई, हमें नहीं बताता। और ये फिर बता रहे थे कि मुझे जाने दो तुम, और ये फिर बता रहे थे कि नहीं तुम इसे नहीं मार सकती हो। और यहाँ पर जो है इनकी फाइट शुरू हो जाती है, एक दूसरे को गालियां दे रहे होते हैं। एमसी भी बता रहा था कि भाई चल क्या आ रहा है यहाँ पर, और रुको जरा, ये लड़की थी एक्चुअली में और वो जो चेनसो थी वो भी फेक थी। और सिस्टम भी बता देता है कि अभी जो है तुम अपना स्किल जो है सेलेक्ट कर सकते हो, टाइम चेंज हो चुका है। एमसी डायरेक्ट जो है सेलेक्ट कर लेता है और फिर देख रहा होता है कि मुझे जो है कौन सा स्किल अच्छा लगेगा। और ये जो इसे धक्का दे देती है और डायरेक्ट एमसी का जो स्किल है वो चेंज हो जाता है, एसएम ट्रेनिंग मास्टर बन जाता है। मतलब वो जो मार के लोगों को मजा आता है ना, लड़कियों को, तुम लोगों ने देखा होगा, उस टाइप का नहीं मारना, मतलब जब काउंट करते हैं ना उस वाला सीन होता है। और एमसी इसे रख के मारता है, इस लड़की को भी मजे आ रहे होते हैं। ये फिर बता रहा था कि ये जो है मुझे दर्द नहीं हो रहा, बहुत ज्यादा अच्छा लग रहा है मुझे। ये फिर बता रही थी कि प्लीज मास्टर मुझे और मारो। और इसी के साथ एमसी इसे काफी दफा मार देता है। ये फिर बता देती है कि मास्टर मेरा जॉब ये था कि मैं जो हूँ हॉरर मूवी के लिए चीजें बनाती थी और मेरे पास बहुत ज्यादा मॉडल जो है घर पे पड़े हुए हैं और वो चेनसो भी जो है वो नकली था, असली नहीं था, और मैं किसी को भी जो है चोट नहीं पहुंचाने वाली थी। और फिर बता देता है कि ठीक है मैं जो तुम्हें इस दफा छोड़ दूंगा लेकिन अगली दफा तुम्हें मौका नहीं मिलेगा। और ये भी बता देती है कि ठीक है मास्टर। और ये फिर डायरेक्ट एमसी को बता देती है वो लड़की की, अच्छा तुम आ चुके इस लड़की को बचाने के लिए। और ये फिर बताते हैं लेकिन फिर भी अभी तेरे पास टाइम है, उस लड़के को इसने पकड़ लिया होता है। वो फिर बता रहा होता है एमसी को कि मास्टर मैं तुम्हें धोखा नहीं देना चाहता हूँ लेकिन फिर भी मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद है। एमसी फिर ऐसे बता देते हैं कि तुमने जो जानबूझ के मेरे साथ डेट किया था कि मैं तुम्हारे साथ बाहर आ सकूं, और हाँ तुमने फिर इस लड़की को किडनैप किया। और काफी ज्यादा गुस्से में होती है कि तुमने जो है मुझे कैसे छोड़ दी, इस लड़की के पास आ गए, क्या मैं जो हूँ प्यारी नहीं हो, ये बोल रही होती है। और ये भी बताते कि हम जो है डेट कर रहे थे। और ये भी शोक हो जाते कि क्या मतलब एमसी जो है इसको पसंद नहीं करता या फिर इसके उसमें नहीं आ रहा है झांसे में। और ये लड़की भी बता रही थी कि सच में मास्टर ने जो है ये डेट छोड़ के मेरे पीछे आ गया था मुझे बचाने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि तुम बार बार इनोसेंट लोगों को जो है हर्ट करवाती हो, और लड़की पीछे पागल हो चुकी होती है। और फिर बता देते कि सच में ग्रैंड मास्टर मुझे प्यार करता है। और सिस्टम बता रहा था कि भाई उठ जा तू, वो तुम्हारी हेल्प करना चाहता है ताकि उसे जो है टाइटल मिल पाए बस। और एमसी फिर बता रहा था कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं तुम्हारे साथ आ जाऊंगा लेकिन तुम्हें जो है किसी को चोट नहीं पहुंचानी चाहिए। किसी को बताते कि अच्छा तुम इसे इतना ज्यादा प्रोटेक्ट करना चाहते हो, क्यों ना ऐसा काम करते हैं हम जो है पीके करते हैं, शायद से कोई मैच वगैरह करने का बोल रही है। फिर बता रही थी अगर मैं हार जाती हूँ तो मैं जो हूँ तुम्हें तंग नहीं करूंगी ना ही लाइव स्ट्रीम करूंगी। एमसी फिर बता रहा था कि क्या मतलब है इसका पीके का। और ये फिर बता रही होती लेकिन मैं जीत जाती हूँ तो मुझे जो है ये लड़की फिर चाहिए। क्योंकि सिस्टम बता देता है कि तुम्हें जो है केयरफुल रहना चाहिए, ये बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट है, इसके अंदर ये जरूर ट्रैप हो सकता है। और फिर बता रहा था कि चाहे कुछ भी हो जाए, भले ये ट्रैप हो या ना हो, चलो यहाँ पर हर चीज जो है एंड कर लेते इसी के साथ। और अभी जो है मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ तुम्हारे टाइटल को वापस से लाने के लिए, मैं जो ये प्रॉमिस भी ब्रेक नहीं करूंगा तुम्हारी हेल्प करने के लिए। एमसी सोच रहा था लेकिन फिर भी ये लड़की एग्री करती है कि नहीं करती इस फाइट के लिए। और एमसी इसे बता देता है कि तुम जाते हो इसके साथ ये करना। और ये लड़की सोच रही थी कि मास्टर मेरे साथ बहुत ज्यादा अच्छा है, मैं जो हूँ इसे रिजेक्ट नहीं कर सकती हूँ। अब अच्छी फिर बता देते कि ठीक है, अच्छा ये जो है ब्रॉडकास्ट कर रही है, ब्रॉडकास्ट में जो आजकल टिकटॉक पे चल रहा है वो वाला काउंट कर रही है साथी, लेकिन आज तक मैंने जो लाइव स्ट्रीम नहीं की है लेकिन तुम्हारे लिए मैं सब कुछ कर सकती हूँ। और ये भी गुस्से के अंदर होती है, फिर बता रही थी कि तुम्हारी हिम्मत कैसी, तुम जो न्यू हो इसके अंदर, बता रही हो कि तुम मेरे साथ फाइट करोगी, चलो देखते हैं। और इसी के साथ आप जो वीकेंड के अंदर 3 दिन बाद जो है ये मैच करेंगे और देखेंगे कौन जीता है कि नहीं जीता है। और ये यहाँ से चले जाते हैं और ये और भी जो है इस लड़की के पीछे भाग रहे होते हैं। ये लड़की फिर बताती है कि हमें क्या करना चाहिए, इसके पास जो पूरे 10 मिलियन फॉलोअर्स है लेकिन हमारे पास कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। फिर एमसी बताते कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, तुम अकेले नहीं हो, मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। और ये फिर बताती है अच्छा अगर तुम मेरे साथ हो तो मुझे डरना नहीं चाहिए। और सिस्टम भी बता रहा होता है कि लगता है ये लड़की जो है पागल हो
चुकी है। और फिर डायरेक्ट शॉक हो जाते हैं जब इसकी पूरी डेटा चेक कर रहा होता है कि इसको काफी ज्यादा मिलियन लॉग्स देखते हैं, हमारे पास कोई भी नहीं है, हम हार जाएंगे। और सिस्टम बता रहा होता है कि मैंने तेरे को बता दिया था कि इसके पास टाइटल है। तो फिर एमसी बता रहा होता है लेकिन फिर भी इससे मैं लाइव स्ट्रीम में फाइट तो नहीं ना करने वाला हूँ, वो लड़की करेगी। और क्या वो लड़की अगर जीत जाती है तो उसे उसका टाइटल वापस मिल जाएगा। अगर तुम लोगों को याद होगा तो उसकी कुकिंग वगैरह स्किल खराब हो चुकी है, जो कि टाइटल उन्होंने छीन लिया है। और सिस्टम बता देता है कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, अगर मैंने रिकॉग्नाइज कर लिया कि वो जो है तुम्हारी पार्टनर है तो उसे जो है स्किल मिल जाएगा। और इसी के साथ कोई दरवाजा बजाता है, फिर बता रहा था कि कौन होगा इस टाइम। और भाई साहब ये लड़की यहाँ पर आ चुकी होती है, एमसी को बता रहे थे कि क्या तुम सो रहे थे, और फिर बता रही होती कि क्या अंदर मैं आ सकती हूँ। एमसी बताते हैं कि हाँ एमसी सोच रहा होता है, ये बहुत सारा बोल्ड है कि इतनी रात को ये यहाँ पर आ चुकी है मेरे पास। और ये एमसी को बता रही होती है लास्ट वीक के बारे में कि मैं क्या कर सकती हूँ, मैं जो कुकिंग वाला कर सकती हूँ या फिर जो है सिंगिंग हो गई, गिटार बजाना हो गया, वो कर सकती हूँ। और एमसी फिर सिस्टम से भी पूछता है कि क्या ये ठीक है या नहीं है। और यहाँ पर सिस्टम बता रहे थे कि मैं तुम्हें बताने वाली थी इसी बात को कि तुम्हें जो इससे जीतना पड़ेगा तो तुम्हें कुकिंग वगैरह नहीं करनी है, तुम्हें मतलब ओताकू के सामने लाइव स्ट्रीम करनी, जो जितने भी एनिमे फैंस होते हैं ना उस लड़की के फैन है तो उसी के सर्कल के अंदर ही इसको जीतना है, ना कि कुकिंग वगैरह करके। फिर एमसी इसे बता देते हैं कि जरा मुझे बताना तुम्हें जो है कौन से सॉन्ग अच्छे तरीके से आते हैं। ये फिर बता रही होती है कि मुझे क्लासिक सॉन्ग आते हैं और मैं डांस भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने बचपन में सीखे थे। और ये जितने भी फिल्मों वगैरह के बारे में बता रही होती है, एमसी बता रहा होता है कि ये एक भी काम नहीं करने वाला है क्योंकि तुम्हें उससे कम्पीट करना होगा। तो और ये लड़की फिर बताती है तो मुझे क्या करना चाहिए, एमसी फिर दिखा रहा होता है, फिर बताता है कि इस टाइप की चीज तुम्हें करनी है। और ये लड़की बहुत ज्यादा शौक में हो जाती, फिर बता रही होती है कि सच में तुम चाहते हो मैं इस तरीके से ड्रेस पहनूं और इस तरीके से डांस करूं। और सिस्टम भी बता रहा था कि ये जो कुछ ज्यादा ही नहीं हो जाएगा, एमसी बता रहा था कि हाँ लेकिन फिर भी हमारे पास कोई और तरीका है क्या। एमसी फिर इसे बता रहा था कि तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मैं कुछ ही दिनों के अंदर तुम्हें जो एक बड़ा सुपर स्टार बना दूंगा और शायद से किसी टाइटल के बारे में सोच रहा है जो कि ये यूज करेगा इस लड़की को और ज्यादा फेमस करने के लिए। और यहाँ पर एमसी जो है पहले इसका मेकअप कर रहा होता है कि इसके लिए मेकअप करना चाहिए, वैसे ये अच्छी दिखती है, यहाँ पर ये प्रैक्टिस भी कर रही होती है डांस का। और एमसी ये भी बता रहा होता है कि आजकल जो है लड़कियां जो रिच लड़कियां होती है वो बहुत ज्यादा फेमस होती है, स्विमिंग पूल की तस्वीरें डाल दो एक विला का तुम फेमस हो। एमसी फिर बता रहा था कि चलो सब कुछ रेडी हो चुका है और स्टार्ट कर लेते हैं, कल जो है पीके होगा, मतलब कल मैच ही है। और इसी के साथ ये लड़की भी एमसी के पास आ जाती है खाना लेकर के, तुम ये खा लो, तुम सारा दिन जो है जाग रहे थे, रात को भी जाग रहे थे। और ये फिर एमसी बता रहा होता कि तुमने ऐसे कपड़े क्यों पहने हैं। और ये फिर बता रही होती है कि बहुत ज्यादा रात हो चुकी है तो कोई मेड भी अवेलेबल नहीं है तो इसलिए मैंने ये कपड़े पहन लिए। और इसी के साथ यहाँ पर आ जाता है एमसी नहाने के लिए, फिर बता रहे थे कि ये जगह काफी ज्यादा अच्छी है। और एमसी को बता रही होती है कि तुम्हारी स्पेशल ट्रेनिंग मेरे लिए काफी ज्यादा अच्छी, लेकिन फिर भी मुझे चिंता है उस मैच के बारे में। एमसी फिर बता रहे होते कि तुम्हें डरना नहीं चाहिए, हम जो है बेस्ट करेंगे, सब कुछ मुझ पे छोड़ दो तो कल जो है हो जाएगा सब कुछ। और ये एमसी के बारे में सोच रही थी कि तुमसे मिलना मेरा लाइफ का बेस्ट मोमेंट था। और इसी के साथ पीके का दिन आ जाता है, ये जो है अपने सब्सक्राइबर्स को बता रही होती है कि आज जो है मैच है और आज जो है एक तरह से तीन मैच होंगे, दो जो जीतेगा वही जो है जीतेगा। और ये लड़की भी जो है यहाँ पर बता देती कि हेलो मैं भी जो हूँ, अपना नाम बताती है और बता रही होती कि मैं जो हूँ पहली दफा तुम लोगों से मिल रही हूँ, वो पहली दफा लाइव स्ट्रीम है। और इसके पीछे भी काफी ज्यादा लोग जो है आ चुके होते हैं। और चलो अभी जो है डायरेक्ट मैच स्टार्ट कर देते हैं। और यहाँ पर ये जो है बिल्ली बनी हुई होती है, इसे काफी ज्यादा चीजें मिल रही होती है। एमसी भी देख रहा होता है कि साले इन लड़कों को देखो, इनकी हिम्मत कैसी हुई ऐसी बातें करने की। एमसी फिर सोच रहा होता है कि आज जो है मुझे जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। एमसी फिर बता रहे होते हैं कि वो 1 मिलियन मेरे पास थे, वो मैंने सारे लगा दिए हैं इसी मैच के अंदर ताकि इसे ज्यादा पॉइंट्स मिले और ये जो है आगे निकल जाए। और इसी के साथ ये लड़की जो है पहला मैच हार जाती है और अपने कपड़े काटने लग जाती है, अच्छा ये पनिशमेंट है इसकी। और सेकंड मैच ये भी हार जाती है और ये भी कपड़े काटने लग जाती है और रो रही होती है, ये बता रही होती है कि मैं जो हूँ जरूर अगला मैच जीतूंगी। और इसी के साथ तीसरा राउंड भी जो है वो आ जाता है और एमसी यहाँ पर जो है टाइटल ले लेता है किंग ऑफ कनेक्शन का। और अचानक से इस लड़की के जो है बहुत ज्यादा रैंकिंग जो है बढ़ने लग जाती है और ये जो है हार रही होती है, ये फिर बता रही होती है कि अचानक से ये क्या हो रहा है। और अचानक से बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं इस लड़की को देखने के लिए और सारे जो है मैसेज कर रहे होते हैं कि ये बहुत ज्यादा अच्छी हो लगे होते हैं। एमसी फिर बता रहे होते कि भाई ये चीज सही है, बहुत ज्यादा लोग आ चुके हैं इसे देखने के लिए और मुझे बहुत ज्यादा पैसे भी मिल रहे हैं। और ये सिस्टम भी बता रहे थे हाँ तुम बहुत ज्यादा स्मार्ट हो। और ये लड़की भी फिर बहुत ज्यादा खुश होती है और बता रहे थे कि सच में एमसी जो है इतने ज्यादा लोगों को जानता है और ये जो है इस बात को छुपा रहा था लेकिन अभी जो है ये मुझे इतना बड़ा सरप्राइज दे रहा है। और ये लड़की भी बताती है कि ये मत सोचना कि मैं जो इतनी जल्दी हार मान लूंगी, मेरे पास भी एक ट्रम्प कार्ड है जो कि मैंने अभी तक यूज नहीं किया है लेकिन तुम लोग फोर्स करा रहे हो मुझे यूज करने के लिए। एमसी फिर बता रहा था कि क्या ये क्या यूज करने वाली है। और अचानक से बहुत ज्यादा लोग जो है उस लड़की की तरफ आ जाते हैं, उसे गिफ्ट दे रहे होते हैं। एमसी भी सोच रहा था कि भाई चल के आ रहा है अचानक से। और ये लड़की फिर सोच रही होती कि मैंने ऑलरेडी जो है प्लेटफॉर्म वालों को बोल रखा है, वो जो है डेटा को चेंज कर रहे, मतलब सच में लोग इसे पैसे नहीं दे रहे लेकिन वो कंपनी वाले चेंज कर रहे डेटा को ताकि इसके नंबर ज्यादा दिखे। और कंपनी वाले फिर बता रहे थे हाँ जल्दी करो तुम्हें ही जीतना है चाहे कुछ भी हो जाए। और यहाँ पर ये लड़की भी आ जाती, फिर बता रही थी कि आप क्या करें, हम इसी तरह कंटिन्यू करते रहेंगे, अगर इसी तरह चलता रहा तो जरूर मैं पैसे जो है लूज कर लूंगी, क्या करना है अभी। एमसी फिर बता रहा होता है कि नहीं, अगर मैं जो गेस सही करूँ तो ये प्लेटफॉर्म जो है ये भी उसके जिसपे ये स्ट्रीमिंग कर रही है, अगर
हम भले जो है इस पे पैसे भी थ्रो करते रहे, तुम्हें देते रहे, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं है। और फिर यहाँ पर ये सिस्टम बता रही थी एमसीको कि जल्दी करो, तुम्हें कोई सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा जल्दी से, ताकि हमें जो ये टाइटल इससे मिल जाए, वरना हम जो हार जाएंगे। एमसीको सोच रहा होता कि मैं बहुत ज्यादा केयरलेस था, मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि ये प्लेटफॉर्म इसका था, तो भाई ये जीत सकती हमसे। हमसे फिर बता रहा था कि सॉरी, लेकिन लगता है कि इस दफा मैं जो हूँ जीत नहीं पाऊंगा। यहाँ पर कोई जो है देख रही होती इस लाइव स्ट्रीम को, फिर बता रही होती कि ये बहुत ज्यादा बोरिंग है। जो ओनर था टाइटल वाले का, उसने भी चीटिंग कर ली उस लड़की के बारे में ये बात कर रही है, और शायद से इसको भी टाइटल के बारे में पता है। ये फिर बता रही होती कि चलो फिर मैं तुम्हें शो करा देती हूँ कि क्या होता है चीटिंग करके। और डारी कोई जो है बहुत सारी पैसे डोनेट कर लेता है, ये सारे शो हो जाते हैं कि क्या। वहीं से फिर बता रहे होते कि ये क्या हो रहा है अचानक से, और ये जो है एमसी की गर्लफ्रेंड को पैसे मिल रहे होते हैं ना कि उसको, और ये भी शोक हो चुकी होती है कि ये चल क्या आ रहा है। और ये जो मैसेज कर लेती है उस कंपनी वाले को कि जल्दी करो, हम जो है हारने वाले हैं। वो फिर बता देते हैं कि मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, ट्रैफिक बहुत ज्यादा हाई है, हम जो है सिस्टम को चेंज नहीं कर सकते हैं। मैं जो प्रोग्रामर हूँ काफी सालों से, लेकिन ये मेरी पहली दफा है कि मैं जो हूँ इस तरीके का बंदा देख रहा हूँ जो कि इतना ज्यादा डोनेट कर रहा हूँ। और ये भी शोक हो चुकी होती है कि ये कौन कर रहा है। और इसके साथ ये जो है ये मैच जीत जाती है। एमसी वाले भी खुश होते हैं कि फाइनली हम जीत चुके हैं, सिस्टम भी खुश हो रहा होता है। लेकिन अचानक से उसके साइड का जो कैमरा है वो ऑफ हो जाता है। एमसी फिर बता रहा था कि ये क्या हो रहा है। फिर एमसी बता रहा था कि सच में मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, एक लाइव स्ट्रीम से हमने इतने ज्यादा पैसे कमा लिए। अभी मैं सोच रहा हूँ कि कौन जो है मिस्टीरियस बंदा था जिसने हमारी इतनी ज्यादा हेल्प की, हमें इतने ज्यादा गिफ्ट दिए। और ये सिस्टम भी बताता है चाहे कुछ भी हो जाए फिर भी हम जो है जीत चुके हैं। और ये फिर सिस्टम बता देता है कि अच्छा तो मैं जो चलो रिवॉर्ड कर देता हूँ कि तुमने मेरी हेल्प की है, मुझे जो है वो टाइटल पहले मिल चुका है। तो मैंने डिसाइड कर लिया कि तुम्हें मैं एक साइड मिशन दे दूं, अगर तुम जो है वो कंप्लीट कर लेते हो, हमारे पास कोई गाड़ी आ जाती है जो कि 50 मिलियन से ज्यादा होती है, और तुम्हें एक फंक्शन मिल जाएगा, तुम जो अपने टीममेट को भी टाइटल दे पाओगे, जैसे कि वो दूसरा गोल्ड जो था जो सिस्टम का पहले ओरिजिनल ओनर था वो भी दे रहा है लोगों को टाइटल्स। मैं उसे फिर बता रहा था कि हाँ ये बहुत ज्यादा ही अच्छा है, लेकिन तुम मुझसे पैसे कमाना चाहती हो, अचानक से इतनी ज्यादा अच्छी कैसे हो चुकी हो। वो भी जो है डांट रही होती इसे, बता रही होती कि मैं हमेशा इस तरीके से अच्छी थी। ये लड़की भी एमसी को बता रही होती कि अचानक से तुम गाड़ी क्यों खरीद रहे हो। फिर एमसी बता रहा था कि तुमने हेल्प की थी मेरे, हम जो है ये मैच जीत चुके थे और उसकी वजह से मैंने बहुत ज्यादा पैसे कमा लिए, तो क्यों ना मैं जो हूँ गाड़ी ले लेता हूँ, वो गाड़ी जो तुम्हारे लिए गिफ्ट होगी। एमसी सोच रहा था कि ये जो है टास्क से रिक्वायर्ड है, लेकिन फिर भी मैं इसे थैंक्स करना चाहता हूँ, तो ये गिफ्ट दे दूंगा ये गाड़ी। और ये लड़की भी बहुत ज्यादा खुश होती है कि सच में, और सिस्टम भी बता रहा होता है कि भाई भाई रुक जा, ये जो है पागल हो जाएगी। और इसके साथ ये जो है आ जाते हैं, फिर बता रहा होता है एमसी के हाँ ये गाड़ी काफी ज्यादा अच्छी है, लेकिन यहाँ पर कोई भी क्यों नहीं आ चुका है हमारे साथ डील करने के लिए। और ये लोग जो है जितने भी है इनका कोई भी काम नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर नहीं आ रहे हमारे साथ बात करने के लिए। और फिर एमसी से बता रहा था कि क्या तुम मुझे गाड़ी दिखा सकते हो। और ये एमसी को बता रहा था क्या तुम अफोर्ड कर सकते हो इसे, ये जो है पूरे 50 मिलियन से इसकी प्राइस स्टार्ट होती है। फिर एमसी सोच रहा था अच्छा ये 50 मिलियन की है, इसका प्राइस जो है सही है। और वो लड़का फिर बता रहा था इसे टच मत करो अगर तुम जो है बाय नहीं कर सकते हो। और ये जो सोच रहा होता है इसे देखो साला ये यहाँ पर आ चुका है, इसको प्राइस सुनकर ही हालत खराब हो चुकी है, लेकिन इसके पास ये लड़की है ये काफी ज्यादा अच्छी दिखने में लगती है, और ये जो है ये गाड़ी अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। और यहाँ तक ये एमसी को ये भी बता रहा होता है हमारे कंपनी के अंदर पॉलिसी है कि सिर्फ वही बंदा गाड़ी खरीद सकता है जिसने 10 बिलियन लगा दिए होते हैं, एलिजिबल हो जाता है खरीदने के लिए। फिर एमसी बता रहा था कि भाई पागल हो गए क्या, तुम लोग इतनी ज्यादा सेलिंग कर सकते हो कि 10 बिलियन तुम बता रहे हो। और वो लड़की भी बता रही थी कि नहीं चलो यहाँ से चलते हैं। अचानक से ये लड़की आ जाती, फिर बता रही थी मैं जो सुपरवाइजर हूँ स्टोर की, अगर तुम माइंड नहीं करोगे मैं जो हूँ यहाँ पर न्यू आ चुकी हूँ, मैं तुम्हें गाड़ी शो करा सकती हूँ। और ये जो एमसी को ये गाड़ी शो करा रही होती, फिर बता रही थी कि ये काफी ज्यादा अच्छी गाड़ी है, और भी इस गाड़ी के बारे में बता रही होती, इसकी प्राइस भी बता रही होती कि स्टार्ट से जो है ये 50 मिलियन से स्टार्ट होती है। फिर एमसे बता रहे थे कि क्या डिस्काउंट मिलेगा। और ये फिर बता रही थी कि मेरा ये मतलब नहीं है कि एक तरह से तुम अफोर्ड नहीं कर सकते हो, लेकिन ये गाड़ी थोड़ी सी महंगी है। एमसी फिर बता रहे थे कि मेरा ये मतलब नहीं है, मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि मुझे फुली कस्टम गाड़ी चाहिए, ये ले लो पैसे जितने भी चाहिए, मुझे जो है डिस्काउंट की कोई भी जरूरत नहीं है। और सिस्टम भी बता रहा होता है देखो क्या फ्लेक्स मार रहे हो तुम। और ये लड़की फिर बता रहे थे कि सच में ठीक है चलो डील कर लेते हैं, और मैं तुम्हें बिल्ड अभी दे दूंगी। और ये भी शोक हो जाता है कि क्या सच में इसने ये गाड़ी ले ली, और ये जो है सबसे महंगी वाली गाड़ी है जो कि इसने ले ली है, और एमसी इसे शॉपिंग करने के लिए भी लेकर आ चुका होता है। और सिस्टम फिर बता रहे थे कि इसे देखो भाई ह्यूमंस को जो है ये चीजें ही पसंद आती है बस। फिर एमसी बता रहे थे कि तुम्हें क्या हो चुका है, तुम खुश नहीं हो क्या कि मैंने सिर्फ उसे थैंक किया तुम्हें नहीं किया है। और ये भी अच्छा होता अगर मैं जो तुम्हें कुछ चीजें दिला देता, क्यों ना ऐसा करते हैं कि बाद में मैं तुम्हें और टाइटल्स दे दूंगा क्योंकि तुम्हें वही चाहिए होते हैं। सिस्टम भी ब्लश कर रहा है, लगता है ये जो प्यार में पड़ने वाली है। इसी के साथ एमसी जो है डायरेक्ट यहाँ पर आ जाते, फिर बता रहे थे कि उस लड़की ने जो है देख लिया इस बैग को एक सेकंड के लिए, तो जरा सा पैक कर देना उसी टाइम ले लेता हूँ। और लड़की बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। इसी के साथ एमसी जो है उसके लिए ये पर्स ले लेता है, और यहाँ पर इसके लिए और भी कपड़े ले लेता है। और भाई सब क्या चल रहा है, हर जगह पे पैसे ही पैसा दे रहा है। और इसी के साथ स्टाइल में यहाँ से चला जाता है, भाई ये जो है मैं थंबनेल के लिए यूज करने वाला हूँ। एमसी इसे भी बता रहा था कि क्यों ना तुम भी कपड़े चेंज कर लो। वो फिर गुस्से में होती है कि भाई ये पैसे जो है मेरे वजह से तुम्हें मिले हैं, तुम्हें मुझे थैंक करना चाहिए। और भाई साहब एमसी ने जो है मेरी फेवरेट कार ले ली है ऑडी R8। और ये लड़की फिर बता रही होती कि मैं बिलीव नहीं कर सकती हूँ कि पैसे स्पेंड करना भी बहुत ज़रूरी अच्छी चीज होती है, मजा आता है उसमें।
भैया एमसी को बता रही होती कि तुम्हारे पास और तो पैसे हैं ना, एमसी बता रहा था तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए, मेरे पास बहुत ज्यादा पैसा है। और सिस्टम गुस्से में होता है कि भाई क्या फ्लेक्स मार रहा है यहाँ पर। इसी के साथ वो चेंसो मैन वाला वापस से यहाँ पर आ जाता है क्या, एमसी गाड़ी रोक देता है और वो ये लड़की आ चुकी होती। फिर एमसी बता रहा था कि क्या हो चुका है, ये फिर बता रही होती कि मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ कि तुम जो हो जीत चुके हो उस लड़की के खिलाफ। ये फिर बता रही होती कि मैं जो हूँ बदला लेकर रहूंगी मिली चांद को जो कि मर चुकी है। फिर एमसी शोक हो जाता है कि क्या वो मर चुकी है। फिर एमसी बता रहा होता है कि तुम शोर हो कि वो मर चुकी है, मतलब उसने खुद को मार दिया है। फिर ये बता रही होती है कि मैं जो उसको कॉन्टेक्ट नहीं कर पा रही हूँ, मैंने बहुत ज्यादा कॉल की उसे कोई भी आंसर नहीं आ रहा है। उसके बाद मुझे जो एक सिरप मिल चुका था वो बोतल जो है खाली हो चुकी थी उसके रूम के अंदर। फिर एमसी बता रहा होता है कि नहीं नहीं तुम्हें ये चीजें नहीं करनी चाहिए, मुझे उसके घर पे लेकर चलो, हम देखेंगे वहाँ पर क्या हो रहा है। इसी के साथ एमसी उसके घर पे आ जाता है। फिर बता रहा था कि हाँ मेडिसिन की बोतल जो है वो खाली है और यहाँ पर कोई भी साइन वगैरह नहीं है कि किसी ने विंडो तोड़ी हो या फिर डोर से डायरेक्ट आ चुका हो, और यहाँ पर सीरम भी पड़ी हुई है और ये कैलेंडर डेट भी जो है वो भी चेंज नहीं हुआ है। तो इसका आंसर ये हो सकता है कि इसको किसी ने किडनैप किया होगा। एमसी ने जो है टाइटल ले रखा होता है जीनियस डिटेक्टिव का, और इसलिए एमसी को इतनी सारी चीजें पता चल रही होती है और ये जो है हर चीज को बता रहा होता है। और वैसे ये कौन सा एनिमे कैरेक्टर बना है जरा मुझे कमेंट में बताना, मैं भूल चुका हूँ उसको, वैसे मैं देखता नहीं हूँ लेकिन मुझे पता है कि वो डिटेक्टिव है। डिटेक्टिव कौन है ना कि क्या, आई डोंट नो यार। और ये भी रो रही होती है कि प्लीज मैं जो बचाने आ रही हूँ तुम्हें, तुम्हें चिंता नहीं करनी चाहिए। यहाँ पर सिस्टम भी बता रही होती है कि तुम जो गलत कपड़े पहन रहे हो, तुम्हें जो ये वाले पहनने चाहिए। और हमें मिली चांद दिखाई जाती है जो कि किसी ने इसको बांध रखा होता है, और फिर बता रही होती कि तुम जो हार चुकी हो, यहाँ तक कि वो टाइटल भी तुम्हारे पास था तुम फिर भी कुछ नहीं कर पाई। और ये वही जो लड़की होती है जो कि हमें पहले दिखाई गई थी, और ये डायरेक्ट शॉक हो जाती है क्योंकि इससे जो है वो टाइटल गायब हो चुका होता है। ये फिर बता रही थी कि ये पॉसिबल है, तुम्हारे साथ हो क्या गया है, टाइटल किधर गया। और ये जो फोन पे किसी को बता देती है कि कल जो ये 1v1 उससे फाइट कर रही थी, हमने इसको जो है बहुत ज्यादा पैसे भी दे दिए थे लेकिन इसका वो टाइटल किधर गया। और ये फिर इसे बता रही होती है मुझे नहीं पता है लेकिन तुम्हें ढूंढना पड़ेगा वरना गोडेस तुम्हारी हालत खराब कर देगी। और ये लड़की कॉल बंद कर देती, फिर बता रही थी कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है कि किसी ने इसका टाइटल जो है वो चुरा लिया है और इसके पीछे जो है वो कौन हो सकता है। और बस यहीं पर एपिसोड को एंड कर लेते हैं। देखिए वीडियो यहाँ तक देखने के लिए मुझे इसको वीडियो को रेंडर पे लगाना पड़ेगा फिर अपलोड करना पड़ेगा, और अभी जो है रात को 3:30 बज रहे हैं और मुझे तुम लोगों को वीडियो अपलोड करनी है 9 बजे के टाइम पे, तो भाई मुझे काम करना है तो मुझे माफ करो। तो बस आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।